सो बच्चो, लेट अस स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक एंड आवर न्यू टॉपिक इज म्यूचुअल फंड्स, राइट। अब म्यूचुअल फंड चैप्टर के अंदर अगर मैं कहूँ कि बच्चों सबसे बताओ कि आपने क्या सुना हुआ है, राइट। तो एक बहुत कॉमन सी कॉट, एक बहुत कॉमन सी इन्फॉर्मेशन जो सबने जनरली सुनी होती है, डेट इज दिस मच। सुना हुआ आप लोगों ने, क्या कहता है ये? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल दी स्कीम डॉक्यूमेंट्स, स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। ये आपको कोटेशन हर एक म्यूचुअल फंड हाउस, मतलब म्यूचुअल फंड हाउस जब भी कोई भी प्रमोशन एक्टिविटी करता है, उस प्रमोशन एक्टिविटी में ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिलेगी, राइट। अभी क्या है इन्फॉर्मेशन, मतलब ऐसा इन्फॉर्मेशन में ऐसा क्या, ये सब ये क्यों बता रहा है? एक्चुअली ये तो सेबी की गाइडलाइंस है कि जब भी आप प्रमोशन एक्टिविटी करेंगे तो ये लिखेंगे। जब आप भी सिगरेट पीते हैं, मतलब सिगरेट आप नहीं पीते हैं, जो भी लोग सिगरेट पीते हैं उसके ऊपर क्या लिखा होता है? हानिकारक है, राइट। तो एटलीस्ट यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि ऐसा म्यूचुअल फंड जो है या कोई भी इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट के अंदर आपको एफडी की तरह से रिटर्न प्रोवाइड नहीं करते, राइट। तो इन्वेस्टर जो है कॉन्शियस रहे, उसको मालूम रहे कि वो कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है और जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो एफडी की तरह से रिटर्न प्रोवाइड नहीं करती। इसलिए म्यूचुअल फंड्स के पहले, हर स्कीम से पहले ये इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, राइट। बट सर, मैं आपको कहूँगा कि बच्चों बताओ, आप में से कौन कौन करोड़पति बनना चाहता है? आप कहोगे सर ये पूछो कि कौन कौन नहीं बनना चाहता। ऑब्वियसली सभी लोग बनना चाहते हैं, राइट। अब करोड़पति बनने के दो रास्ते होते हैं, या तो मेहनत करें या तो बहुत मेहनत करें, स्ट्रगल करें। और बच्चों देखा गया है मेहनत करने के बाद भी लोग करोड़पति नहीं बन पाते। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? सर वो इसलिए क्योंकि इंसान जब ज़्यादा इनकम अर्न करना लगता है, जब ज़्यादा इनकम के स्टेप्स पर पहुँचता है, तो उसके खर्चे उसी स्टेप से भी बढ़ने लग जाते हैं, राइट। और जब खर्चे भी बढ़ रहे हैं, इनकम भी बढ़ रही है, तो सेविंग्स नहीं हो रही, तो करोड़ रुपया, एक करोड़ रुपया, दस करोड़ रुपया आएगा कहाँ से, राइट। तो मतलब ये कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे बढ़ते हैं, तो करोड़पति बनना आसान नहीं है, राइट। तो इस पर्पस के लिए दुनिया के नंबर वन पर्सन, दुनिया के नंबर टू पर पर्सन एक मिस्टर वॉरेन बफेट जी हैं। उन्होंने अपनी लाइफ को मतलब निचोड़ कर कुछ कोटेशंस, कुछ बेनिफिट, मतलब कुछ बातें बताई हैं। इन बातों को हमें बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए, राइट। उसमें से एक बात कह रहे हैं, डैट ऑन अर्निंग्स नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम। अपनी सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मतलब हमारी जो इनकम के सोर्सेज हैं वो एक से ज़्यादा होने चाहिए, राइट। उसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर उन्होंने बोला हुआ है, ऑन इन्वेस्टमेंट डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। मतलब क्या होता है इसका, कि आप अपने सारे के सारे पैसों को एक जगह पर नहीं रखें। नो डाउट डाइवर्सीफाइड करें, डोंट से कि अगर मेरे पास अगर इनकम आ जाती है तो उस इनकम को मैं किस पर्पज़ का यूज़ करूँगा। ज़्यादातर लोग किस पर्पज़ का यूज़ करते हैं? गोल्ड परचेस करने के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ आपके घर में क्या किसने इक्विटी परचेस किया हुआ है, तो आप कहोगे नहीं सर। अगर पूछूं गोल्ड परचेस किया हुआ है, हर एक ने गोल्ड परचेस किया हुआ है, राइट। तो ज़्यादातर इंडियन फैमिलीज जो है वो क्या परचेस करती हैं? गोल्ड। गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। और आपको मैं बता दूं कि कोई भी मार्केट इक्विटी मार्केट से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकती, ना बढ़ती है। आपको नहीं सर, प्रूफ करके दिखाओ। तो सर मेरे पास एक प्रीवियस ईयर्स का कुछ डेटा है, और ये जो डेटा है ना, ये इस चीज़ को डिफाइन करता है। क्या कह रहा है डेटा? दैट फिक्स डिपॉजिट में अगर आपने 36 साल पहले पैसे को डिपॉजिट किया था, राइट, 36 साल पहले, और तो आज के डेट में फिक्स डिपॉजिट कितने गुना हो गए हैं? 18 गुना। गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड भी हो गया है 34 गुना, कोई शक नहीं है, राइट। सिल्वर हो गया है कितना? 25 गुना। और स्टॉक मार्केट सेंसेक्स हो गया है कितना? 280 टाइम्स। आप कहोगे सर अच्छा, तो ये आपने पिछले 36 सालों के लिए बताया। अगर ये पिछले 36 सालों के लिए बताया तो क्या वाकई में फ्यूचर में भी ऐसा होगा, राइट। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि सर बताओ पिछले 36 सालों में ऐसा क्या हुआ है जिस कारण से इतना इंक्रीज हो गया है सेंसेक्स, ऐसा क्या हुआ है? तो सर मैं कहूँगा कि सर जब आप छोटे होते थे, जब आपका बचपन होता था, जब आप तो बड़े हो गए हो, तो सर आपके आसपास के जो एनवायरनमेंट था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो सोचो क्या होता था। फ़ोन नहीं होता था, लैंडलाइन होता था, और अब छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फ़ोन हो गया। और जब सेल फोन आए थे तो 12 रुपये का रेट, 20 रुपये का रेट पर मिनट का होता था, और अब बात की जा रही है कि आउटगोइंग फ्री चार्जेस जो होंगे वो डेटा के होंगे। मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है वो डेटा के ऊपर काम करेगी,
राइट, मतलब आप मुझे बताओ क्या फ्यूचर में नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी वो आज से ज़्यादा डेवलप होगी या नहीं? डेफिनेटली होगी। अगर आने वाली जनरेशन आज से ज़्यादा डेवलप होगी तो सेंसेक्स भी, निफ्टी भी, यानी कि स्टॉक मार्केट भी इंक्रीज होगा। और अगर आपको नहीं लगता कि यस इंडियन इकोनॉमी जो है फ्यूचर में डेवलप होगी, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल, आपकी सोच सही है कि आगे डेवलपमेंट नहीं होने वाली। ये डाटा भी सिर्फ पास का है, फ्यूचर का नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि इंडियन, आपको कि सर अच्छा आप करोड़पति बनने की बात बता रहे हो, म्यूचुअल फंड क्यों नहीं बता रहे? सर म्यूचुअल फंड एक ऐसा टूल है जिससे कि इंसान करोड़पति बन सकता है, राइट? आपको कि नहीं सर हम तो ब्रीफ नहीं करते, डेफिनेटली इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको बिलीव करवाना चाहूँगा। उसके साथ मैं आपको म्यूचुअल फंड चैप्टर भी पढ़ाना चाहूँगा, राइट? मैं स्टार्ट करता हूँ कि म्यूचुअल फंड की ज़रूरत क्या है, वाई म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है तो वो क्यों कहा जा रहा है, राइट? तो बच्चों ये बात समझ में आ गई कि इक्विटी मार्केट के अंदर तो ग्रोथ है ना? क्या समझ में आ गया कि इक्विटी मार्केट में ग्रोथ है और फ्यूचर में भी रहेगा। बट सर इक्विटी मार्केट में जब भी जाते हैं तो एक बहुत बड़ी विडंबना होती है। कैसे होती है? अगर आप मुझे पूछो कि सर बताओ कौन सा शेयर में पैसे इन्वेस्ट करूँ, तो मैंने आपको शेयर का नाम बता दिया, ए बी सी बराबर। अब आपने कहा अच्छा आपने इस शेयर का नाम बताया, मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसके मार्केट ट्रेंड को देखता हूँ, है ना? आपने कहा कि सर हम इन्वेस्ट तो करेंगे, पर इन्वेस्ट तब करेंगे जब मार्केट के ट्रेंड को देखें, राइट? मैंने आपको रिकमेंडेशन दी, सपोज करो कोई एक शेयर के 700 रुपये में, 700 में, राइट? अब 700 रुपये में रिकमेंडेशन दी, उसके बाद आप क्या देखोगे? ये पहले कितना बड़ा हुआ है, उसके बाद कितना बड़ा हुआ है, फिर देखा कि ये जो शेयर है ये 700 से बढ़कर 800 का हो गया। गुड और बैड? गुड, राइट? आपने कहा अच्छा सर ने जो बताया ठीक है। अगले दिन देखा तो ये शेयर नीचे चला गया, 750 हो गया, राइट? अब कॉन्फिडेंस क्या हो गया? डाउन हो गया। फिर देखा कि अगले दिन फिर और बढ़ गया और ये बन गया 850। कॉन्फिडेंस अब क्या हो गया? स्ट्रांग हो गया। फिर देखा 900 रुपये का हो गया, राइट? अब जैसे ही 900 रुपये का हुआ, अब कॉन्फिडेंस क्या हो गया? स्ट्रांग, ज़बरदस्त स्ट्रांग। कैसा स्ट्रांग? कि यस सर ने बिल्कुल ठीक बताया था, है ना? आपने क्या किया? आपने 900 रुपये में शेयर खरीद लिया। अब जैसे ही 900 रुपये में शेयर खरीद लिया, अगले दिन वापस ये 700 का हो गया। अब बताना खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? 700 में हो गया, अब बताओ खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? देखो अगर आपने 900 रुपये के हिसाब से, अगर मैं कहता हूँ 20 शेयर भी लिए हुए हैं, तो आपने 18,000 रुपये अपने इन्वेस्ट किए हुए। पर सर 18,000 रुपये अपने इन्वेस्ट करने के बाद आपकी जो पूरी कंसंट्रेशन है वो कहाँ पर चली गई? स्टॉक मार्केट में। आपकी कंसंट्रेशन चली गई मार्केट के अंदर ये देखते हुए कि जो आपका स्टॉक है, आपका जो स्क्रिप्ट है, वो परफॉर्म मार्केट में कर रहा है या नहीं। अब सर मन में ये आता है यार मैं यही देखता रहूं कि स्टॉक जो है वो अप एंड डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा, कब मुझे खरीदना है, कब मुझे बेचना है, और अगर मेरा लॉस हो गया तो अजीब सा दुख होना शुरू हो जाता है। और अगर मान लो आपने 900 में खरीद लिया होता और वो 1200 हो भी जाता तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मतलब लाइफ में एक अजीब सी खुशी, अजीब सी दुख हो जाता है जब हम स्टॉक को खरीदना शुरू करते हैं, राइट? और ये तो 18,000 रुपये एक बार की इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं कहता हूँ कि आपने इस तरह से 10 मंथ्स में लगातार इन्वेस्टमेंट कर दी, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 1,80,000, राइट? अब 1,80,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब आपको डेफिनेटली ये रहेगा हमेशा हर रोज़ ये देखना कि स्टॉक मार्केट में आपके शेयर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? और सर अगर आपने सुना होगा 2007 में सुनामी आ गई थी मार्केट के अंदर, 2007-08 के अंदर मार्केट जो है वो बहुत ज़बरदस्त से क्रैश हो गई थी। अगर आप उस क्रैश से गुजर चुके हो, अगर या मम्मी पापा ने आपको बता दिया है या आपने सुना है कि यहाँ पर इस तरह की डाउनवर्ड भी आते हैं, मार्केट 22,000 से डाउन होकर 8,000 पे पहुँच गई थी, तो सर ऐसे सिचुएशन में तो आपको मन में क्या रहेगा कि अब तो फ्यूचर में कभी भी पूरी ज़िंदगी के अंदर इस मार्केट के अंदर नहीं आऊँगा, ना आऊँगा ना किसी को आने दूँगा, राइट? बट थिंग इज एक डेटा ये है, ये डेटा क्या है कि सर स्टॉक मार्केट में इंडिविजुअल स्क्रिप्ट जब परचेस करते हैं तो बहुत सारे अप एंड डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन होते रहते हैं, और उन अप एंड डाउन्स को डेली बेसिस पर वॉच करना और ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा शेयर बेस्ट है और कौन सा नहीं है, इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, राइट? अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक मार्केट में आना छोड़ दें, भूल जाएं, अपने दिमाग से निकाल दें,
एक तो ये माइंड में भी हो सकता है कि हम लोग स्टॉक मार्केट को अपने माइंड से निकाल दें, मतलब क्या अपने सीधी साधी ज़िंदगी बिताते हैं, जो भी पैसे इन्वेस्टमेंट बच जाता है उसको कहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, एफडी में। और अगर एफडी की मैं अगर आपसे रिटर्न बोलूँ ना, तो एफडी की रिटर्न 8% से ज़्यादा एट प्रेजेंट नहीं आती, 8 मैक्सिमम 9% आती है, 9% से ज़्यादा कोई रिटर्न नहीं देता, मैक्सिमम 9%, राइट। और ये भी टैक्सेबल है, ये भी टैक्सेबल है। मीन्स अगर मैं टैक्सेबल कहूँ तो आपको मालूम है कि जितना भी आप एफडी से इंटरेस्ट अर्न करते हो उसमें 10-15 हज़ार की जो रिबेट है उसको छोड़ने के बाद बाकी जितना भी अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। एंड टैक्स कितना, जो भी आप इनकम स्लैब में आ रहे हो, अगर 40% की स्लैब है तो 40%, 30% स्लैब है तो 30%। सो 9% का अगर आप 30% टैक्स पे कर दोगे तो क्या बचेगा, 9% का 30% 2.7% हो गया। तो आपने 2.7% का तो टैक्स पे कर दिया, तो बाकी बचा कितना देख लो आपके पास, 6.3%। सो डैट इज़ योर रिटर्न, 6.3%। अच्छा, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट सोचो, गोल्ड। मन में तो बार बार गोल्ड ही आता है, राइट। अब से मैं कहूँगा गोल्ड से ज़्यादा मतलब बेकार इन्वेस्टमेंट नहीं है। जिस दिन आप खरीदते हो ना, उस दिन ज्वेलर जो है, अगर आपने बिस्किट लिया है तो अलग बात है, राइट, अगर आपने ज्वेलरी ली है तो उसी दिन ज्वेलर जो है आपसे 20% 25% तो ज़्यादा काट लेता है। गोल्ड का रेट 30,500 रुपये का, कौन से कैरेट का, 24 कैरेट का, वो 22 कैरेट का आपसे गोल्ड जो बेचता है वो बेचता है 30,000 में। 30,500 का 24 कैरेट का रेट है तो कितने बेचेगा, 30,000 में 22 कैरेट का रेट, राइट। और आप कैलकुलेशन करोगे तो रेट अलग आएगा, उसके बाद फिर मेकिंग चार्जेस 20%, राइट। अब आपने लेके रख लिया, 20% तो ज़्यादा पे कर दिया। उसके बाद जब कुछ टाइम ड्यूरेशन आगे बढ़ता है उसको आप बेचने जाते हो, तो उसके बाद जब आपने बेचे गए, 24 कैरेट का रेट सपोज करो 35,000 का हो गया और आपका जो गोल्ड है वो कितने कैरेट का है, 22 कैरेट। पहले तो गारंटी नहीं है कि वो 22 कैरेट का है, खरीदते हुए तो जो दुकानदार है उसने आपको सेटिस्फाई कर दिया है कि 22 कैरेट है, जब आप बेचने गए किसी दूसरे पर्सन को, अब उसने प्रूफ कर देना है कि 22 कैरेट का नहीं है। अब अगर चलो 22 कैरेट का है भी, तो वो क्या बोलता है कि 22 कैरेट का रेट पता कैसे आएगा, अगर 35,000 का रेट है, 35,000 का रेट हुआ तो डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 22, मतलब प्रोपोर्शनेट कर देंगे, आपको कहेगा कि भाई 22 कैरेट का रेट ऐसे आएगा, और एक्चुअल कैलकुलेशन यही है, राइट। अब बताना रेट कितना हुआ। और उसके बाद वो कहेगा कि आपके पास जितने भी गोल्ड है ना उसका 10% तो मैं भी कट करूंगा, 32,083 रुपये, राइट। अब आपने कहा 10 ग्राम की बात हो रही है और 10 ग्राम का गोल्ड मतलब आपके पास, अच्छा ये 10 ग्राम का रेट है, 10 ग्राम का रेट है, और उसके बाद फिर 10% उसने भी कट कर लिया तो 3,208 इसमें कट कर दिया, बाकी जो बचा ये आपके पास बच गया। मतलब गोल्ड में इन्वेस्ट करना, और साथ ही साथ गोल्ड का रेट हमेशा इंक्रीज होगा ऐसा कोई कंपलसरी भी नहीं है, नो डाउट लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ रिटर्न आपको दे देगा, फिर मैं मान के चलता हूँ कि गोल्ड आपको 10% के आसपास रिटर्न दे देगा, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल। अच्छा, LIC वगैरह भी एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है, और आप बच्चों LIC वाले से पूछो, आपको बहुत सारी स्कीम बताते हैं, आज हमारे पास 10,000 रुपये 10 साल तक दो, हम आपको 15 साल के बाद आपके 10,000 रुपये वापस कर देंगे, स्कीम्स बताते हैं वो, राइट। अब वो भाई 10,000 रुपये जब तुमने 10 साल तक ले लिए, राइट, उसके ऊपर रिटर्न कैलकुलेट करो, उसके बाद फिर 5 साल तक कुछ नहीं दिया उसके ऊपर रिटर्न कैलकुलेट करो, उसके बाद जो बचता है ना वो एक बड़ा अमाउंट, फिर उससे पूछो सब कुछ ठीक है, आप ही बताओ रेट ऑफ रिटर्न कितना देते हो, वो कहेगा सर रेट ऑफ रिटर्न मत पूछो, पर रेट ऑफ रिटर्न उससे कभी भी पूछ के देख लो ना, वो आपको कहेगा 6.5%। टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, ये नॉन टैक्सेबल होती है। तो LIC में भी आपको कितना मिल जाता है, 6.5%, जनरली ऐसा ही होता है, नॉन टैक्सेबल। अच्छा, और आगे चलते हैं, और क्या हो सकता है, डिबेंचर्स वगैरह हो सकते हैं, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, राइट, बहुत DHFL का निकलता है बहुत बार, राइट्स के अलावा बहुत सारे और कंपनीज के निकलते हैं, RIL के निकलते हैं बाद, और ये डिबेंचर्स डेप्ट वाले लोग भी आपको 9% का रिटर्न प्रोवाइड कर देते हैं, राइट। तो पर टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल, टैक्सेबल, ये भी क्या है, टैक्सेबल। मतलब अभी तक हम जितनी भी बात कर रहे हैं सारे के सारे जो कैपिटल गेन है डेट आर दीज आर टैक्सेबल। अच्छा, अब मैंने कहा म्यूचुअल फंड में आ गए, म्यूचुअल फंड में मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, आई रिपीट, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आपके पास जो रिटर्न मिलती है डेट इज़ अराउंड 15%
इफ यू इन्वेस्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड का तो कोई गारंटी है ही नहीं, राइट। हालांकि लॉन्ग पीरियड की भी गारंटी नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में एक वो दिखा दिया, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली, राइट। बट सर, ऑन एन एवरेज पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर म्यूचुअल फंड होल्डर्स, म्यूचुअल फंड जो हैं 15% से लेकर 18% का अमाउंट रिटर्न दे देते हैं इफ यू इन्वेस्ट फॉर ए 15 ईयर्स पीरियड, राइट। आपको अगर इनसे प्रूव करके बताऊँ, डेफिनेटली आई विल डू दिस, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, राइट। और सर अच्छा बताना, टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल? इक्विटी मार्केट में जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है एक साल के बाद के लिए वो नॉन टैक्सेबल होती है, मतलब एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। और मतलब ये जो 15% से 18% का रिटर्न, ऐसा क्यों गवर्नमेंट ऐसा क्यों कह रही है कि नॉन टैक्सेबल, जाओ और जी लो अपनी दुनिया? गवर्नमेंट ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि इन्वेस्टर, मतलब इंडियन पब्लिक जो है इक्विटी में इन्वेस्ट करे। गवर्नमेंट खुद चाहती है कि इंडियन पब्लिक इक्विटी में इन्वेस्ट करें। आज के टाइम में जो इक्विटी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो FIIs की है, राइट। हालांकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी बहुत बढ़ रही है। कैन यू बिलीव दिस कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो आज के टाइम में होगी वो कितने रुपीज़ की होगी, कितना अमाउंट की होगी, ऐसे कुछ अंदाजा? लाखों में होगी, करोड़ों में होगी? अच्छा करोड़ों में होगी, कितने करोड़ होगी, कुछ भी ऐसे ही बता दो। 5 लाख करोड़ इन्होंने नाम नंबर बताया, मतलब इन्होंने एक्सपेक्टेशंस में सबसे मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन अपनी बता दी, 5 लाख करोड़, राइट, इन्होंने बताया। और मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट मंथ, मतलब अगस्त 2016 में जो ये इंडस्ट्री थी, डैट वाज अराउंड 15 लाख करोड़। आप कहोगे सर नहीं, सर आप तो ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हो। सर ऐसा नहीं है, मैं हर एक चीज़ के लिए प्रूफ आपको दूंगा, एवरी थिंग इज़ विद द प्रूफ। दिस इज इकोनॉमिक्स टाइम्स, दिस इज नॉट माई साइट, राइट, दिस इज इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया, मोस्ट रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडिया, दैट इज म्यूचुअल फंड एसेट्स राइडेड टू ऑल टाइम हाई ऑफ ₹15.63 लाख करोड़, राइट। दो एक बार पढ़ना, the mutual fund industry assets under management rose to an all time high of ₹15.63 lakh crores at the end of August 2016 basically. This was helped by the strong inflows into income balance and equity mutual fund schemes. तो ये किस रीजन से है? क्योंकि म्यूचुअल फंड स्कीम में पब्लिक ने ज्यादा एक इंटरेस्ट को शो किया है, राइट। पब्लिक कौन? आप और मैं, राइट। एज पर द क्रिसिस डेटा, कंसिस्टेंट इनफ्लोज ओवर द पास्ट 28 months except for all small outflows in March 2016, club with the mark to market gains pushed up the category asset to new high of ₹4.687 lakh crore, matlab almost kitna hai, haan ji kitna hai, 15 lakh crore, jo ki abhi tak ka all time highest hai, matlab this industry is not a small industry, it is a big industry. और ऐसा क्यों है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों है कि पब्लिक जो है इस तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर अब ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। शायद उन्हें ये बात समझ में आ रही है, राइट, क्या कि अगर म्यूचुअल, अगर हम इक्विटी मार्केट में नहीं जाएंगे तो कितनी रिटर्न अर्न करेंगे, नहीं जाएंगे तो कितनी रिटर्न अर्न करेंगे, राइट। आपको कहीं सर एक और है जो आपने बताया नहीं और हमें पता है, वो सबसे बड़ा है, क्या? रियल एस्टेट, है ना, पता है ना आपको, बट सर आपको तो पता है, बट एक किसी भी पर्सन से पूछो जिसने 5 साल पहले रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की थी, और उसे पूछो कि भाई कैसा चल रहा है रियल एस्टेट, मतलब कैसी इन्वेस्टमेंट चल रही है, या छोड़ो आपका घर का रेट क्या चल रहा है, तो वो कहेगा भाई साहब मैं परेशान हूँ बेचने के लिए, मैं नया खरीदना चाहता हूँ, पर नया तब खरीदूंगा जब पुराने वाला बिक जाएगा, पुराना बिक ही नहीं रहा है, राइट। लोगों ने वैल्यू इतनी बढ़ा दी है, इतनी वैल्यू इन्फ्लेट कर दी है कि नए इनफ्लोज, मतलब नए परचेज वाले जो हैं वो नए न्यू कंस्ट्रक्शन में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड वन, क्योंकि न्यू कंस्ट्रक्शन स्कीम जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती हैं, राइट, ईजी EMI के थ्रू मिल जाती है, जबकि पुराने वाले में थोड़ा सा दिक्कत आती है, राइट। तो रियल एस्टेट नो डाउट किसी टाइम में बहुत अच्छा चला था, बट ऑल टाइम सभी के सब हमेशा हमेशा अच्छा चलेगा ऐसा कोई कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, राइट।
और यहाँ पर इक्विटी मार्केट में तो ऐसा है कि आप 500 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है? 500। पर सर रियल एस्टेट के अंदर ऐसा नहीं है, और वहाँ पर तो ऐसा है कि अगर आपने एक एक टारगेट ले लिया, आपको नहीं सर है ईएमआई के थ्रू कर सकते हैं, पर सर वहाँ पर अगर आपने एक 50 लाख का एक फ्लैट ले लिया है तो 50 लाख रुपये जब तक पूरे नहीं हो जाते तब तक आपको वो ईएमआई पे करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर 500 रुपये से कर सकते हो स्टार्ट, 500, 1000, 2000, 50000, वट एवर यू लाइक, राइट। और जब मर्जी चाहो अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टॉप भी कर सकते हो, दूसरी जगह डाइवर्ट भी कर सकते हो, पर रियल एस्टेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो मतलब ये कि स्टॉक मार्केट में सीधा जाएंगे, स्टॉक मार्केट में जब सीधा जाएंगे तो एक रिस्क है। क्या रिस्क है? पता नहीं कब शेयर ऊपर चला जाए और कब शेयर डाउन चला जाए एक्चुअली। और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मतलब हमारे पास किस चीज़ की कमी है? हमारे पास तीन चीज़ें हैं जो कि हमें मुश्किल देती हैं। सबसे पहले तो नॉलेज, पहले तो नॉलेज होना चाहिए, आई एम राइट और रॉन्ग? नॉलेज, नॉलेज होना चाहिए स्टॉक मार्केट का, प्रॉपर पूरा का पूरा, कि स्टॉक मार्केट जो है कब इन्वेस्ट करना है और कब इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करनी है, राइट। अगर मैं कहूँगा कि नहीं सर आपको नॉलेज है, आपको पता है सब कुछ, राइट, पर सर उस नॉलेज को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो स्किल्स चाहिए। नॉलेज होना अलग बात है, उसको यूज़ करना एक अलग बात है, दैट इज़ कॉल्ड स्किल्स। चलो मैं आपको कहना स्किल्स भी है, पर सर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है टाइम। आप अपने जॉब में ध्यान दोगे, जब आप प्रोफेशनल क्वालिफाइड हो जाओगे तो जॉब में ध्यान दोगे, अपनी प्रैक्टिस में ध्यान दोगे, या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में ध्यान दोगे? जॉब में। तो सर आपके पास जो है टाइम की भी कमी है, और ये मार्केट को हर रोज चलती है, हर सेकंड चलती है। इवन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो कहता है कि हमारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं दैट इज 200 मिलियन सेकेंड के अंदर कौन रहेगी। एक सेकेंड को 200 हिस्सों में बांट दो, तो हर 200वें हिस्से में जो पॉइंट ऑफ टाइम बनता है ना उसमें ट्रांजेक्शन होती है, राइट। तो क्या इतने बारीकी से आप क्या मार्केट को देख सकते हो? इट्स वेरी डिफिकल्ट। इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी, और इन्वेस्टमेंट अगर डायरेक्टली करेंगे तो फ्लक्चुएशन के चांसेस हैं, और मार्केट के अंदर कब अप एंड डाउन होंगे इसको समझना बहुत बहुत मुश्किल है। तो कुछ ऐसा रास्ता होना चाहिए जिससे कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी करें और हमारा टाइम भी ना लगे, राइट। और कोई नॉलेजेबल पर्सन ऐसा हो जो कि हमारे बिहाफ पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे, और उस इन्वेस्टमेंट से जो गेन हो वो गेन हमें दे दे। हेलो, देखो सबसे पहले एक नीड होती है, राइट। सो दिस इज द नीड ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कि भाई लोग जो हैं एक ऐसे कॉमन फंड में इन्वेस्ट करें जो कि कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करे, और कैपिटल मार्केट से इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न आए वो रिटर्न इस इन लोगों को बढ़ जाए, राइट। मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक कॉमन फंड बनना चाहिए, एक कॉमन फंड बनना चाहिए। कॉमन फंड में पब्लिक इन्वेस्ट करे, कॉमन फंड में पब्लिक इन्वेस्ट करे, और ये कॉमन फंड जो है वो आगे कहाँ इन्वेस्ट करे? हाँ जी, कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट, राइट। कैपिटल मार्केट में, हालांकि कैपिटल मार्केट में डेट मार्केट भी आती है, तो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करें। कैपिटल मार्केट से जो रिटर्न अराइज हो, जो रिटर्न अराइज हो, वो रिटर्न किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए? अगेन पब्लिक में, फिर से शेयर होल्डर्स में, राइट। तो सर इस तरह का कोई स्कीम हो तो ये पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए, पूरी इंडियन कल्चर के लिए, इंडियन पर्सन के लिए, मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, सभी के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, राइट। तो ऐसी स्कीम्स जिनको हम कहते हैं क्या? म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, राइट। अब म्यूचुअल फंड्स जो हैं इसी कैटेगरी को सेटिस्फाइड करते हैं। दे कलेक्ट द फंड फ्रॉम द पब्लिक, दे कलेक्ट द फंड फ्रॉम द पब्लिक, दे इन्वेस्ट सच फंड्स इन द कैपिटल मार्केट एज पर द स्कीम डॉक्यूमेंट, एज पर द स्कीम डॉक्यूमेंट दे इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट। दे विल अर्न रिटर्न और लॉस, ऐसा नहीं है कि रिटर्न अराइज होगी, लॉस अराइज नहीं होगा। अगर आप कोई भी अपने ब्याह पर रिस्क लेते हैं तो क्या ऐसा होगा कि हमेशा हमेशा प्रॉफिट ही अराइज होगा? नो, लॉस भी अराइज हो सकता है। तो अगर आप पब्लिक जो है वो प्रॉफिट के हकदार है तो लॉस के लिए भी कौन हकदार है? पब्लिक। तो पब्लिक को कोई भी प्रॉफिट हुआ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, हाँ अगर लॉस हुआ तो वह भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा,
इसी रीजन से तो हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, लिखा हुआ था म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये मार्केट रिस्क क्या होता है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, राइट। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस होता है ये पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। आई थिंक आर यू रेडी टू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड्स और नॉट? आपको कैसे ही प्रूफ तो करो कि 15% रिटर्न मिलता है। हाँ जी, करें या नहीं? बिल्कुल सर, करते हैं सर। 15% रिटर्न मिलता है। अच्छा, 15% रिटर्न मिल गया तो इससे आपको बेनिफिट कितना होगा थोड़ा सोचो। यू कांट एक्सपेक्ट, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि आपको बेनिफिट कितना होगा। मैंने एक छोटी सी, मेरे पास एक एक्सेल फाइल है, राइट। इसको हम कैलकुलेटर बोलते हैं, दिस इज ए कैलकुलेटर, सिर्फ कैलकुलेटर, राइट। मैं मान के चलता हूँ कि हर पर्सन जो है कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करता है हर महीने, राइट। और उसके बाद उसकी एक बड़ा लमसम अमाउंट डिसाइडेड होता है, राइट। मैं मान के चलता हूँ कि हर पर्सन हर महीने कितना इन्वेस्ट करता है, 20,000 रुपये। और अगर ये पैसा उसने इन्वेस्ट जो किया है दैट इज इन एज्यूम टू बी नॉट ये पैसा उसने इन्वेस्ट किया है सपोज करो एफडी में, फिक्स डिपॉजिट, कितना रिटर्न बताया था हमने? 6.9। कैन वी टेक इट 7%, ठीक है। अच्छा, 7% के बाद हमने कहा ये तो ठीक हो गया, रिटर्न एक्सपेक्टेड, सॉरी, कितने पीरियड के लिए, कितने समय के लिए? ये रेट है इस 7 और कितने टाइम के लिए, क्या कहते हो? मैं मान के चलता हूँ आपकी एज कितनी, 20, 22, है ना। कितने सालों तक अमीर बनना चाहते हो, करोड़पति बनना चाहते हो? चाहते तो ये हैं कि बस अगले दिन ही बन जाए बस अगले दिन में तो ऐसे तो होता नहीं है, राइट। इट विल टेक टाइम। मैं मान के चलता हूँ 50 ईयर्स तक आप करोड़पति बनना चाहते हो, 22 से 50, 28 ईयर्स, 28 ईयर्स, यस। आपको लग रहा है नहीं सर, आपने यार अपनी बाकी भी चीज़ों को करो ना, इसके 28 ईयर्स दो, जितना टाइम ज़्यादा दोगे उतना अमीर बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, हाँ जी, तो हमने कहा सर 20,000 रुपये कब इन्वेस्ट कर रहे हैं, मंथली, और कितने ईयर्स लिए, 28 ईयर्स, कहाँ पर, एफडी में, कितना रेट, 7%, और 7% से आपके जो पैसे इकट्ठे हो जाते हैं वो इतने हो जाते हैं, ये अब आप देख लो कितना है, 2,07,73,764। हाँ जी, जब आप 50 साल के हो जाओगे 28 साल के बाद, तो क्या आपको 2 करोड़ से काम गुजारा चल जाएगा? नहीं चलेगा। म्यूचुअल फंड में आ जाए। अब जो 7% जो था ना, लेट अस मेक इट 15, 15%। अगर मैं इसको 15% बना, कुछ एक ऐसे ही नंबर एक्सपेक्ट करना, पहले 2 करोड़ था, 7 को 15 बना दिया, चलो 10 करोड़, 5 करोड़, शी सेज 5 करोड़, देखते हैं बच्चों, देखते हैं, सी दिस, टेन करोड़ 23,56,272। एफडी में कितना आ रहा था, 2 करोड़, यहां पर कितना आ रहा है, 10 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 5 गुना का फर्क आ रहा है, 5 गुना, राइट। आप कहोगे नहीं सर, ये तो आपने 15% लिया ना, अगर 18% बाई चांस रिटर्न आ गई तो, मैं कहा बहुत अच्छी बात है, यू विल नॉट बिलीव कि भाई 15 से 18 में कितना फर्क पड़ सकता है। अभी कितना था, 10 करोड़ था ना, अगर 18% कर दें, राइट, सो जस्ट एस्टिमेट 10 से 12, 15, अराउंड 19 करोड़ 70,60,849। मतलब सर 15-18% जो है ना बहुत होता है, राइट। बट सर कुछ ऐसा मालूम चल जाए कि भाई 15-18% मिलेगा, तो 15-18% रिटर्न बहुत होता है। हाँ जी, बात समझ आ गई? लोग ना शेयर मार्केट में इंक्लूड होते हैं, मतलब जाते हैं
और वो क्या कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी है, और इन्वेस्टमेंट के बाद कितना रिटर्न रिटर्न चाहिए, कितना रिटर्न चाहिए उनको नहीं पता, 15, 18, 10, 17, 7 क्या होता है कुछ नहीं पता। वो कहते हैं हमें रिटर्न चाहिए डबल। इंडियन मार्केट मतलब किसी भी पर्सन से पूछो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कितनी रिटर्न चाहिए, दे विल जस्ट से डबल। कितने टाइम में? 1 महीने में 2 महीने में। अरे भाई ऐसा नहीं होता, अगर इन्वेस्टमेंट डबल होगी तो आपके पैसे खत्म भी होंगे। देखें ज़्यादा आपका रिस्क होगा उतना ज़्यादा आपका रिटर्न आएगा, अगर रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो रिस्क भी आपका ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा का मतलब है कि पैसे खत्म भी हो सकते हैं। तो मार्केट में अगर आप रिटर्न अर्न करना चाहते हो तो 15%, 16%, 18% बहुत है, बहुत है। पहले तो सोचो, ये चीज़ पकड़ लो मजबूती के साथ कि 15, 16, 17, 18% रिटर्न बहुत बहुत है, राइट? समझ में बात। और 6%, 7% में और 15% में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक्चुअली जो रिटर्न आपके पास आती है 15%, आपने स्टार्टिंग में 20,000 इन्वेस्ट किया, राइट? फिर रिटर्न जो आएगी वो 20,000 पे आएगी, अगले महीने 20,000 हो जाएगा, तो रिटर्न जो आएगी वो 40,000 पे आएगी। मतलब हर बार जो है वो रिटर्न जो है वो कंपाउंड होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट ही है जिस कारण से ये 15%, 18% जो है आपको इतना बड़ा अमाउंट दे रहा है। और 20,000 इन्वेस्ट करना है इसने, ऐसा किसने कहा? 20,000 ही इन्वेस्ट करना है, ये तो मैंने आपको एक छोटा सा थॉट लिया कि 50-60 हज़ार की इनकम में से 20,000 पे इन्वेस्ट करते हैं। और से अगर 20,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट करें तो आपके जो वैल्यू है वो अपने आप से, तो दैट इज़ द मतलब शॉर्ट फॉर्मेट है जिसमें कि आप जल्दी से 1 करोड़पति बन सकते हो। अदरवाइज बहुत लोगों को आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, 50 साल 60 साल उनकी एज है और उनका अभी भी ड्रीम है। पर सर ये ड्रीम उन लोगों का जल्दी पूरा हो सकता है। भाई अगर आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, आपको मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए तो क्या चाहिए? पैसा। आपको बड़ा घर चाहिए तो क्या चाहिए? पैसा, है ना? अगर आपको टूर पे जाना है, फॉरेन टूर पे जाना है, वर्ल्ड टूर पे जाना है तो क्या चाहिए? पैसा। और हर बंदे का यही सपना होता है, ये कुछ और होता है? ये सपना होता है। अगर ये सपना है, पैसा भी चाहिए, पैसा चाहिए तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। पर इन्वेस्टमेंट अगर FD में करते रहोगे, LIC में करते रहोगे, पॉलिसीज में करते रहोगे तो रिटर्न आपकी इतनी नहीं बढ़ने वाली जिससे कि आपके सपने पूरे हों। अच्छा कम बैक, आप कहेंगे सर ये प्रूव करके दिखाओ कि जो ये आपने कहा 15% आ रहा है कि वाकई में 15% आ रहा है या नहीं। हाँ जी प्रूव करें या नहीं? डेफिनेटली करते हैं। तो सर ये एक साइट है, डैट इज moneycontrol.com। इस moneycontrol.com पे आपको ऑलमोस्ट सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, राइट? moneycontrol.com याद रहेगा। हाँ जी इसमें आप क्या करना है, यहाँ पर एरो पे क्लिक करना, इसके बाद आ रहा है NAV। क्या आ रहा है? NAV। अब इस NAV पे क्लिक कर देना। NAV पे क्लिक करके आपके पास सारे के सारे इंफॉर्मेशन म्यूचुअल फंड्स की रिलेटेड यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे, राइट? आपको किसी ना किसी म्यूचुअल फंड का नाम पता होना चाहिए और कुछ नहीं। मैंने कहा मुझे बहुत सारे नाम पता है, मैंने एक नाम लिखा आपके सामने, डैट इज़ HDFC इक्विटी म्यूचुअल फंड। HDFC इक्विटी, काफ़ी पुराना फंड है, म्यूचुअल फंड, राइट? और HDFC इक्विटी फंड में मैंने यहाँ पर कौन सा प्लान ले लिया, ये ग्रोथ वाला HDFC इक्विटी फंड, राइट? इसकी वैल्यू बताएगा कि आज की वैल्यू कितनी है, राइट? इसको ये जो 498.911 दिखा, मतलब दिख रहा है ना आपको, इसको हम बोलते हैं NAV, नेट असेट वैल्यू। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, अगर आपको सेफर साइड में रहना है तो आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करो। कौन से वाला प्लान? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट डिपॉजिट करते रहो, जैसे कि हमने अभी आपको वो एक जो वो दिखाया था अभी कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर में हमने यही किया था कि मंथली हम इन्वेस्ट कर रहे थे 20,000 रुपये। अब मंथली इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है कि मार्केट अप डाउन होती रहती है, राइट? जब मार्केट अप होती है तो दैट इज़ गुड न्यूज़, क्योंकि हमने जो है पहले सस्ता खरीदा होता है, वो मार्केट बढ़ गई, राइट? फिर मार्केट बढ़ गई, दैट इज़ अगेन गुड न्यूज़। फिर मार्केट घट गई, जब मार्केट जब घट जाएगी तो सर हमारे म्यूचुअल फंड की NAV की वैल्यू भी क्या होगी? कम हो जाएगी। और आपको तो और परचेस करना है, हर महीने आप 20,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर 20,000 की और इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप सस्ते में जब परचेस करोगे तो नंबर्स ऑफ शेयर्स, यानी कि नंबर्स ऑफ यहाँ पर बोलते हैं यूनिट्स, आपको भाई प्रॉफिट कब होगा? जब सस्ता खरीदोगे या महंगा खरीदोगे?
मार्केट अगर डाउन हो गई है, आप मंथली परचेज कर रहे हो, तो आपने सस्ता और परचेज किया, मार्केट और डाउन हो गई, आपने सस्ता और परचेज किया, जब आपने सस्ता और परचेज किया तो और आपको यूनिट सस्ती मिली, दैट इज गुड। तो हमारे सिप में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, हर महीने जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक थोड़ा 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 अमाउंट, तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कम भी हो जाती है, और ये तभी हो जाती है जब मार्केट डाउन हो। सो हमारे जैसे इन्वेस्टर जब मार्केट डाउन होती है तो खुश होते हैं, दे सेलिब्रेट, क्यों? क्योंकि अब वो खरीदेंगे तो सस्ता मिलेगा। भाई अगर मार्केट में डिस्काउंट सेल लगी हो तो खुशी मिलती है या फिर आपको दुख होता है? खुशी मिलती है। मार्केट जब डाउन हो जाएगी तो डिस्काउंट सेल लगी होती है, जब डिस्काउंट सेल लगी होती है तो खुशी मिलेगी, सस्ता खरीदेंगे, जब सस्ता खरीदेंगे तो डेफिनेटली अपने आप से बेनिफिट अराइज होगा। अच्छा, अगर सर ये चीज़ आप समझ देते हैं तो यकीन मानो 18% 15% रिटर्न आपकी आपकी है, पक्का है, राइट? अच्छा, लेट अस स्टार्ट। ये 498.911 ये क्या चीज़ है? NAV, क्या बोलते हैं इसको? नेट एसेट वैल्यू। NAV, जैसे किसी शेयर का एक प्राइस होता है, वैसे हर म्यूचुअल फंड हाउस की एक NAV होती है जो कि इसकी वैल्यू को डिफाइन करती है। जैसे जैसे NAV बढ़ती रहेगी इन्वेस्टर्स की वेल्थ भी बढ़ती रहेगी, और जैसे जैसे NAV डाउन होती रहेगी इन्वेस्टर्स की वेल्थ भी डाउन होती रहेगी, राइट? अच्छा, तो आपका हो गया सर 15% प्रूफ करो, है ना? 15% प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो इसमें moneycontrol.com के अंदर ये एक तो ग्राफ गिवन है, मैं आपको वो भी बता रहा हूँ कि मार्केट रिस्क किस तरह से होता है। यहाँ पर आपके पास जो ग्राफ गिवन है इसमें दो कलर्स आपको दिख रहे हैं, एक ब्लू कलर और एक ऑरेंज कलर। ये जो ब्लू कलर है और जो ऑरेंज कलर है ये क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान दो, ये लिखा हुआ है। ब्लू कलर जो है वो किसको शो कर रहा है? NAV को। और जो ये ऑरेंज कलर है वो किसको शो कर रहा है? निफ्टी को, NIFTY, निफ्टी। निफ्टी क्या होता है? निफ्टी मार्केट होता है। निफ्टी यू कैन से इज़ अ कंपोजिट वैल्यू ऑफ द 50 शेयर्स, राइट? हालांकि निफ्टी को हम पूरा अच्छे तरह से डिफाइन करेंगे एक दूसरी वीडियो के अंदर, राइट? यहाँ पर मैंने क्या कहा कि निफ्टी क्या है? कंपोजिट वैल्यू ऑफ द मार्केट, राइट? तो यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है। कैसा चार्ट बनाया हुआ है कि एक तो NAV है और एक निफ्टी है। NAV कौन से वाले कलर से है? ब्लू में। और ऑरेंज से क्या है? निफ्टी। और बच्चों ध्यान से इस चार्ट को देखो, मैंने यहाँ पर वन ईयर का चार्ट। जैसे जैसे मार्केट ऊपर हुई NAV भी क्या हो गई? बढ़ गई। जैसे जैसे मार्केट डाउन हुई वैसे वैसे NAV भी क्या हो गई? डाउन हो गई। क्योंकि होता क्या है, हम म्यूचुअल फंड हाउस को पैसा देते हैं और म्यूचुअल फंड हाउस आगे इन्वेस्ट करता है, राइट? और वो आगे कहाँ पर इन्वेस्ट करता है? स्टॉक मार्केट में, निफ्टी की कंपनीज में। निफ्टी क्यों नहीं, 50 कंपनीज में, या फिर 50 कंपनी से जैसे दूसरी कंपनीज में, जिस तरह से निफ्टी 50 कंपनी का जो टोटल कंपोजिट वैल्यू अगर ग्रो करता है तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारा NAV भी बढ़ता है, राइट? सो मार्केट रिस्क का मतलब हुआ कि अगर पूरी मार्केट डाउन होगी तो हमारे फंड ने जहाँ जहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी डाउन होगा। तो मार्केट रिस्क मतलब कि हमारा म्यूचुअल फंड हाउस भी आपको रिटर्न तब देगा ज़्यादा जब मार्केट अप होती है, गॉट इट? आपको गुस्सा, अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड हाउस ने कहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है, ना? तो इसमें एक कॉलम है पोर्टफोलियो का, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, राइट? और इन्होंने बता दिया कि इन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। इक्विटी में कितना परसेंट? 97.95%। अदर्स में कितना? 1.7%। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन, अच्छा मैं बाद में सब रीड करूँगा। पोर्टफोलियो दूसरे वाले का देखेंगे, इसमें पोर्टफोलियो ऐसा दिया नहीं हुआ है, कम बैक। मैं आपको बता रहा था कि हमारा 15% कैसे आ रहा है, हाउ वी कैन प्रूव दिस दैट दिस इज ए 15% 18% मिल रहा है। देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ना एक छोटा सा नंबर बना हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, ध्यान से अगर पढ़ा जा रहा तो। हाँ जी, SIP कैलकुलेटर। मैंने इस SIP कैलकुलेटर पर क्लिक कर दिया, राइट? अब SIP कैलकुलेटर जो है आपको ये बताएगा कि अगर आप पिछले कुछ सालों से इस वाले फंड में इन्वेस्ट करते तो उसकी आज की वैल्यू कितनी होती, ठीक है? हम लोग यही करने वाले हैं। हमने कहा फंड का नाम क्या आ रहा है? HDFC इक्विटी फंड ग्रोथ।
इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना ले लें, वही 20,000, 20,000, ठीक है। और कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, मंथली, ओके। कब से इन्वेस्ट कर रहे हो, मैंने आपको कहा अगर आपको लॉन्ग 15% 18% चाहिए तो क्या करो, लॉन्ग टर्म ले आओ, लॉन्ग टर्म। तो अभी 2016 है, लॉन्ग टर्म में हमने कहा कब से स्टार्ट कर दें, 2001 से, प्रोवाइडेड ये स्कीम होनी चाहिए तब से, राइट। मैंने ऐसे कुछ 11 लिख दिया है और सितंबर 11 तक लिख दिया है। तो ऑलमोस्ट कितने साल हो गए बच्चों, 2001 से 2016, ऑलमोस्ट 15 साल। अगर स्कीम है तो फिर ये आपको शो करेगा, मैंने कैलकुलेटर पर क्लिक कर दिया, तो कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, इनका सर्वर है, ये अपने आप से कैलकुलेट करता है और आपको बताता है कि आपके जो 20,000 रुपये की वर्थ होगी वो आज के डेट में कितनी होगी, और आपका CAGR बोले तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वही रेट ऑफ रिटर्न, वो रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा। लेट अस सी, देखो क्या कहता है ये। हाँ जी, सिर्फ इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट कितना, 21.44%। हमने 18% के लिए कैलकुलेशन की थी एट हायर एंड, राइट। अब ये 21.644% आ रहा है, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा। अच्छा ध्यान दो, 2001 में सितंबर 11 2001 को हमने 20,000 रुपये लगाए। अच्छा टोटल वैल्यू कितनी हो गई है, 20,000 रुपये, थोड़ा एक बार कैलकुलेशन करना। 20,000 रुपये अगर आप 15 साल तक लगातार लगाते हो तो एक साल में कितना इन्वेस्ट करते हो, 2,40,000, 10 साल में 24 लाख, 15 साल में 36 लाख। अब ये 36 लाख रुपये आज के डेट में कितने हो गए हैं ये आपको बता रहा है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑन दिस वन, ये वैल्यू है, ये आप देख के बता दो। कितना हो जो 2,17,62,050, 2 करोड़, भाई 15 साल है ना, हमने जो पहले कैलकुलेशन की थी वो कितने साल के लिए थी, 28 ईयर से 20, ये 15 साल की कैलकुलेशन है, तो 15 साल में अराउंड 2 करोड़ पे तो आपने इकट्ठा कर लिया, एंड दैट इज द बिगेस्ट अमाउंट, राइट। मतलब 15 साल पहले आप कितने साल के, मतलब कौन से वाली क्लास में थे, आप ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकंड में होंगे, तो फर्स्ट सेकंड से अगर आपके पापा आपके बिहार पर 20,000 रुपये जमा कर लेते तो आज आप करोड़पति थे। कम बैक, तो सर मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो हमारा और बहुत सारे फंड हैं, दिस इज़ वन ऑफ द फंड, मैं आपको बहुत सारे फंड के नाम बताऊंगा जो कि मेरे अकॉर्डिंग अच्छे हैं, राइट। इसके अलावा एक फंड है बिरला सन लाइफ, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्लान, राइट, बिरला सन लाइफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्लान। अब ये फंड माई अकॉर्डिंग अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अच्छा बैंकिंग इंडस्ट्री आपको कैसे लगती है, देखो कोई भी इकोनॉमी बैंकिंग के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। बैंकिंग इंडस्ट्री इज अ रेसिप, मतलब हमारी पूरी इकोनॉमी का एक रेसिप्रोकल फैक्ट होता है, बिना बैंकिंग के कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता। तो आप अगर इस, ये थोड़ा सा 18.55 है, यानी कि रिसेंटली लॉन्च हुआ होगा, थोड़ा ज़्यादा पुराना नहीं है ये प्लान। चलो एक प्लान है एक्सिस इक्विटी सेवर फंड, एक्सिस वाले परेशान बुद्ध करते हैं। हाँ जी, अच्छा ये भी एक प्लान था, यहाँ पर देखना। देखो तो यहाँ पर मैं ये दिखाना नहीं चाहता हूँ आपको, बट सर बिरला सन लाइफ वाला जो ये प्लान मेरे पास यहाँ पर ओपन है वो ऑलरेडी 2 ईयर में कितना रिटर्न दे रहा है, ये 24.5% इज द एनुलाइज रिटर्न। पर सर हमेशा ही 24% देता, ऐसा नहीं है,
हमेशा 24% नहीं देता, हमेशा 25% नहीं देता, डाउन भी होता है, पर सर 15 साल के अंदर अगर 20 साल की बात कर रहे हैं तो ये 12% 14% 15% तो रिटर्न प्रोवाइड कर ही देते हैं, राइट। सो देर आर सम प्लान जिसमें, अच्छा आपने जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको क्या कहा, इन्होंने कहाँ इन्वेस्ट की हुई है, इन्होंने कहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, इक्विटी में, राइट। लाइक मैंने accessmutualfund.com खोल दिया है, राइट। ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, मैं बताऊंगा एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, राइट। तो ये भी आपको यही बताते हैं कि हम लोगों ने, हमारे कौन कौन से फंड हैं, इक्विटी फंड, फाइंड सॉल्यूशन। सो इन्होंने इक्विटी फंड में एक्सेस लॉन्ग टर्म प्लान दिया है। अब इसकी, इस स्कीम को हम देखना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर दिया मैंने और ये बताया हुआ है कि ये जो स्कीम है वो कितना रिटर्न प्रोवाइड कर रही है और 5 साल का हम लोग इसका देखते हैं। तो देखो कैसा चल रहा है ये प्लान, हाँ जी कैसा चल रहा है, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कुछ नीचे गया हो पर लॉन्ग टर्म में तो हमेशा हमेशा क्या होता है, ऊपर ही जाता है। और ये सितंबर 12, 2011 से सितंबर 12, 2020 तक है, इससे भी हम बैक में जा सकते हैं, जितना मर्जी बैक में जा सकते हैं, राइट। इसके हम बैक में जाते हैं, लाइक बहुत सारा बैक में चले गए, राइट। तो मतलब इस प्लान को भी देखिएगा, एक्चुअली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट कहाँ की है, व्यू फैक्ट। हाँ जी सर, देखिए एक्सिस इक्विटी फंड था ये, मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि ये जब हम इन लोगों के पास पैसा देते हैं तो ये क्या करते हैं, आगे कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जब ये आगे कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बताते हैं कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पर की हुई है। तो जैसे ही बताया हुआ कि एक्सिस इक्विटी फंड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कहाँ की हुई है, सबसे पहले तो बैंक्स में, बैंक्स में कौन से वाले हैं, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा, DSB, इंडस्ट्रियल बैंक। फिर फाइनेंस वाली कंपनी में HDFC, क्रिसिल लिमिटेड, चोलामंडलम एंड ऑटो सेक्टर में मारुति के अंदर, टाटा मोटर्स में, महिंद्रा महिंद्रा में, सॉफ्टवेयर में, इन्फोसिस में, रैमको में, ओरेकल में, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में, उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, उसके बाद गैस कंपनीज के अंदर, उसके बाद तो इन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, फिर पावर में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके बाद इन्होंने सीमेंट में इन्वेस्टमेंट की हुई है। मतलब जब आप 1000 रुपये का अमाउंट भी आप इस फंड में लगाते हो तो आपका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये किसी एक सेक्टर में नहीं बल्कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में लग जाता है, बैंकिंग, फार्मा, सीमेंट, पावर, गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इन्होंने इन सभी के सभी सेक्टर में पैसा, तो आपका जो पैसा है वो क्या हो गया, डाइवर्सिफाइड। अगर मैं कहता हूँ कि 1000 रुपये से आप जो है इन कंपनीज के सभी कंपनीज के शेयर परचेस करो, इज इट पॉसिबल, 20,000 रुपये से परचेस करो, इज इट पॉसिबल, नहीं। अगर 20,000 से अगर परचेस करोगे तो किसी एक कंपनी में परचेस कर लोगे, दो में कर लोगे, पर हर बार कैसे डिसाइड करोगे कि किस में परचेस करना चाहिए और किस में परचेस नहीं करना चाहिए। तो जब हम इन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये लोग आगे इन्वेस्ट करते हैं और इस चीज की इंफॉर्मेशन ये अपनी साइट पर डेली बेसिस पर प्रोवाइड करते हैं, आई रिपीट, डेली बेसिस पर। तो अल्टीमेट आपको उसका, अच्छा इन्होंने अगर इन्वेस्टमेंट कर दी तो क्या हमेशा के लिए इन्वेस्टमेंट हो गई, नहीं। ये लोग ये देखते भी रहते हैं कि ये जो कंपनीज हैं ये कैसे परफॉर्म कर रही हैं और साथ ही साथ फ्यूचर जो ग्रोथ है वो इन कंपनी के साथ हैं या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज के डेट में तो ये दी बेस्ट हैं तो फ्यूचर में मैनेजमेंट चेंज हो रहा है या मैनेजमेंट जो है अपनी इक्विटी को सेल करके भागने की कोशिश कर रहा है, राइट। या फिर ये लोग डेब्ट की लाइबिलिटी को टाइम पर पे नहीं कर पा रहे, तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर ये डिसाइड करती रहती हैं कि उन इन कंपनीज को यानी कि म्यूचुअल फंड हाउस को पैसा इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं। मतलब जो काम हम टाइम कम होने के कारण से नहीं कर पा रहे थे वो काम ये लोग डेली बेसिस पर प्रोफेशनल वे में करते रहते हैं, राइट। सो व्हाट आई मीन, अच्छा आप कहोगे सर इतना सब कुछ ये करते हैं, नाम क्या है इसका, एक्सिस इक्विटी फंड, मतलब ये एक्सिस म्यूचुअल फंड इक्विटी फंड जो है वो किसका है, एक्सिस वालों का, राइट। इस तरह से बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, HDFC, ICICI, राइट, उसके अलावा रिलायंस,
उसके अलावा बिरला सन लाइफ, टाटा बिरला, राइट, और इसके अलावा DHFL, इंडिया इंफोलाइन, मोतीलाल ओसवाल, इन सभी के सभी कंपनीज के अपने अपने असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं। तो मतलब ये कि ये जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो कौन फॉर्म करता है, वो कंपनीज जिन जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। यू एंड मी कैन नॉट फॉर्म ए न्यू म्यूचुअल फंड हाउस, नहीं कर सकते। सेबी की गाइडलाइंस हैं, ये जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस हैं वो सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनती हैं। सेबी जो है रेगुलेटर अथॉरिटी है, तो सेबी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इन लोगों को फॉर्म मतलब मानने पड़ते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर इनको मिलता क्या है, इनको मिलता क्या है, ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई इनको बेनिफिट भी होता होगा या नहीं? भाई देखो ना, प्रॉफिट हुआ तो इन्वेस्टर को दे दिया, लॉस हुआ तो किसको दे दिया, इन्वेस्टर को दे दिया, तो इनको क्या मिला? सो कहानी ये होती है सर, कहानी ये होती है, वापस moneycontrol.com, ये एक्सेस इक्विटी फंड निकाला हुआ है मैंने, और एक्सेस इक्विटी फंड में मैंने यहाँ पर निकाल दिया इन्वेस्टमेंट इन्फो, इन्वेस्टमेंट इन्फो। तो ध्यान देना, मैं इसमें एक एक चीज़ को डिफाइन कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये क्या होता है कि प्रैक्टिकल देख के बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है, तो डैट इज़ वाई हम लोग यहाँ पर इस तरह से आपके साथ बात कर रहे हैं, तो थ्योरी लिखवा लिखवा के तो फिर बच्चा परेशान हो जाता है। अच्छा, कम बैक, फंड टाइप क्या लिखा हुआ है, ओपन एंडेड। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ओपन एंडेड क्या होता है। यस, तो दो तरह की स्कीम्स होती हैं, नंबर वन ओपन एंडेड, नंबर टू क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड स्कीम वो स्कीम्स होती हैं जिसमें कि आप जब मर्जी अपने जेब से पैसा इन्वेस्ट करो, जब मर्जी विड्रॉ कर लो, राइट। मीन्स अगर आज आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स परचेज करना चाहते हो, तो आज आप 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये दो म्यूचुअल फंड हाउस को, और आज ही यूनिट्स परचेज कर सकते हो। कोई डीमेट अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है, आई रिपीट, कोई डीमेट अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। और आपको लगता है कि 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आपका पैसा बढ़ गया है, या फिर आपको पैसों की जरूरत है, तो आप उसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। आप एक सिंपली एप्लीकेशन दोगे, या अगर आपने इनकी साइट के ऊपर रजिस्टर किया हुआ है तो यूज़र आईडी पासवर्ड आपके पास होगा, वहाँ पर क्लिक करोगे, बटन दबाओगे, एक वीक के अंदर, मैक्सिमम एक वीक के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा, कैश नहीं आता। बैंक अकाउंट के अंदर, जिस भी बैंक अकाउंट से आपने रजिस्टर किया हुआ है, उस बैंक अकाउंट में आपके पास पैसा आ जाएगा, राइट। बट कहाँ पर आएगा, बैंक अकाउंट में। इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट क्या होता है कि चीटिंग नहीं होगी, इसका पैसा उसके पास नहीं जाएगा, उसका पैसा इसके पास नहीं जाएगा, जिस अकाउंट से डेबिट हुआ था उसी अकाउंट में क्रेडिट होगा, बहुत बड़ा बेनिफिट है। नंबर वन, एक ये हो गया ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब क्या हुआ, जब मर्जी परचेज करो, जब मर्जी विड्रॉ करो। अब सर बच्चे कहते हैं कि सर अच्छा, जब मर्जी इन्वेस्ट करना है, जब मर्जी विड्रॉ करना है, आपने कहा था कि टैक्स सेविंग्स होती हैं, टैक्स एग्जम्प्ट होता है, तो यानी कि टैक्स सेविंग्स हो जाएंगे? नहीं सर, टैक्स सेविंग्स वाले म्यूचुअल फंड्स अलग होते हैं, टैक्स सेविंग्स वाले म्यूचुअल फंड्स अलग होते हैं। मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, सो देयर आर सम कैटेगरीज ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, देयर आर सम कैटेगरीज फॉर द म्यूचुअल फंड्स, और इस कैटेगरी में हम कहते हैं कि हमने आपको बता दिया, वन इज ओपन एंडेड एंड, हाँ जी क्या बोला, क्लोज्ड एंडेड। ओपन एंडेड में तो क्या होता है कि जब मर्जी इन्वेस्ट करो, जब मर्जी विड्रॉ करो, बस क्लोज एंडेड के अंदर ऐसा नहीं होता। क्लोज एंडेड में होता है, कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल नए फॉर्म होते हैं, और वहां पर इन्वेस्टरों को कहा जाता है कि आपका जो पैसा है वो 3 साल के लिए या 1 साल के लिए ब्लॉक रहेगा, मतलब आप 3 साल से पहले अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ नहीं कर सकते, 3 साल के बाद जब मर्जी विड्रॉ कर सकते हो। आप कहोगे नहीं सर, क्या मैं बिल्कुल किसी कंडीशन में नहीं कर सकता? सर इसके अगर आप स्टार्टिंग जल्दी विड्रॉ करोगे तो आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे, विड्रॉ करोगे, जैसे FD है, आपने 2 साल की FD करवाई, अब 2 साल की FD का मतलब है कि 2 साल के बाद पैसा विड्रॉ होगा, पर सर अगर आपने 1 साल के बाद विड्रॉ करना है तो कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तो पेनल्टी पे करोगे, विड्रॉ करोगे। बट सर अगर मैं कहूँ म्यूचुअल फंड जो है दो तरह के ऐसे भी होते हैं, टैक्स सेवर फंड, जब मैं बोलता हूँ टैक्स सेवर फंड तो बेसिकली मैं आपसे बात कर रहा हूँ ATC की डिडक्शन के बारे में। हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो ATC की लिमिट में आते हैं, यस ना? बट सर सारे के सारे म्यूचुअल फंड ATC की लिमिट में नहीं आते, और बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टैक्स सेवर फंड।
अगर आपको टैक्स सेवर फंड चाहिए, मतलब अगर आपके ATC की लिमिट में म्यूचुअल फंड्स को इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको 3 साल का 3 ईयर्स का लॉक इन रखवाना ही पड़ेगा। मीन्स दैट इज कंपल्सरी कि आप जब भी इन्वेस्ट करो तो 3 साल से पहले विड्रॉ नहीं करो, बल्कि आप नहीं करो ऐसा नहीं, इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि हमारा जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो आपको विड्रॉ करना ही नहीं देगा। एक म्यूचुअल फंड है दैट इज HDFC टैक्स सेवर फंड, एक फंड है फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड फंड, राइट, ऐसी मोतीलाल ओसवाल का भी है, ऐसी टाटा वालों का भी है। तो हर कंपनीज का एक टैक्स सेवर फंड होता है और उन इन फंड में से आप 3 साल से पहले पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। 3 साल से पैसे कौन से वाले फंड में? और सर मैं बोलता हूँ ओपन एंडेड फंड, तो ओपन एंडेड फंड में आप जब मर्जी इन्वेस्ट करो और जब मर्जी विड्रॉ करो, राइट। पर अगर आपने टैक्स सेवर फंड वाला ले लिया हुआ है तो 3 साल का लॉक इन हो गया। आई थिंक क्लियर। अच्छा, तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया दैट इज ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, इनफैक्ट मैंने नहीं बताया आपको, तो मनी कंट्रोल ने बता दिया है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्वेस्टमेंट प्लान, उसमें क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट प्लान क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड। सर इन्वेस्टमेंट प्लान के अकॉर्डिंग भी हम इन म्यूचुअल फंड हाउसेस को कुछ हिस्सों में बांटते हैं। हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड जो हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स कैन बी डिविडेंड प्लान, नंबर 2 ग्रोथ प्लान, नंबर 3 डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। एक और होता है जो कि थोड़ा सा कम फेमस है, बट हाँ इट इज देयर, बोनस प्लान। अब ये 4 कैटेगरी बना दी मैंने क्या कहा? डिविडेंड प्लान। अब डिविडेंड प्लान में क्या होता है? आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, समझना बच्चों, पब्लिक ने पैसा इन्वेस्ट किया है, और पब्लिक ने पैसा इन्वेस्ट किसको किया है? म्यूचुअल फंड हाउस को पैसा इन्वेस्ट किया। म्यूचुअल फंड हाउस ने कहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया? कैपिटल मार्केट में पैसा जो है धीरे धीरे क्या हो गया? ग्रो हो गया। मैं कहता हूँ कि NAV, जब स्टार्टिंग में हमने NAV पे इन्वेस्ट किया था पब्लिक ने, तो 10 रुपये की NAV थी। 10 रुपये की NAV कुछ समय के बाद, 1 साल बाद, 2 साल के बाद, 2 साल के बाद NAV बढ़कर सपोज करो 15 रुपये की हो गई, 15 रुपये, राइट। अब आप ये चाहते हो, आप मतलब कौन? पब्लिक ये चाहती है कि जब ये NAV एक लेवल तक बढ़ जाए तो म्यूचुअल फंड हाउस इसमें से कुछ कैश मुझे दे दे। भाई 10 रुपये के 15 रुपये हो गए, किसके हो गए? पब्लिक के। अगर पब्लिक के पैसे बढ़ गए हैं तो पब्लिक चाहती है कि इस पैसे में से कुछ पैसे मुझे डिविडेंड की फॉर्मेट में मिल जाए। तो अगर हमारे पब्लिक ने ऐसा कुछ कहा हुआ है तो दैट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड इज कॉल्ड डिविडेंड प्लान। तो डिविडेंड प्लान में जैसे जैसे NAV बढ़ती रहती है, वैसे वैसे म्यूचुअल फंड हाउस अपने इस NAV में से एक हिस्सा कैश के फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बट सोचो, एक्सिस फंड में आपने पैसा इन्वेस्ट किया, राइट, एक्सिस फंड ने आगे कहाँ इन्वेस्ट कर दिया? HDFC, ICICI एंड कोटक महिंद्रा, रिलायंस, DHFL, LIC हाउसिंग एंड सोन, बहुत सारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, राइट। अब वैल्यू बढ़ गई, अब जब वैल्यू बढ़ गई तो क्या इस वाली वैल्यू में से कुछ पैसा विड्रॉ कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे कर देंगे? कुछ सेल कर देंगे। म्यूचुअल फंड हाउस ने अगर इस पैसे को कैपिटल मार्केट में लगाया है, सपोज करो ये 10 करोड़ लगाया है और ये कितना हो गया? 15 करोड़। तो म्यूचुअल फंड हाउस जब मर्जी एक बटन दबाएगा, जस्ट एक क्लिक करेगा, क्लिक करके जो है वो ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारी इक्विटी मार्केट की सबसे बड़ी खास बात तो यही है, लिक्विडिटी। जब मर्जी खरीदो, जब मर्जी बेचो, चाहे करोड़ों की बात हो, चाहे 10 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, कोई मैटर नहीं करता। एक क्लिक पर आपका कैश आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड हाउस भी ऐसा कर सकता है, एक क्लिक करेगा कैश आ जाएगा। और मैंने कहा म्यूचुअल फंड हाउस ने सपोज करो 1 रुपये का अमाउंट, 15 में से 1 रुपये का अमाउंट जो है डिविडेंड की फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट करने का डिसाइड किया है, राइट। तो 15 रुपये में से 1 रुपये, तो जितने भी 1 रुपये के अकॉर्डिंग वैल्यू होगी, वो वैल्यू हमारा म्यूचुअल फंड हाउस कैश में कन्वर्ट करेगा और इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, राइट। अब ऐसा करने पर जो वैल्यू बाकी बचेगी वो कितनी बचेगी? 14 रुपीज।
भाई अगर 15 में से 1 रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो बाकी बचे कितने, 14 रुपये। तो हमने यहाँ पर ये यह कहेंगे कि एन ए वी यहाँ पर 10 की थी और पहले 15 की थी, और इसको एन ए वी को बोलेंगे डैट इज कॉल्ड कम डिविडेंड। क्या बोलेंगे? कम डिविडेंड। और इस 14 रुपये को क्या बोलेंगे? डैट इज एन ए वी, हाँ जी, एक्स डिविडेंड। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, आई थिंक क्लियर। तो ये जो प्लान है इसको क्या बोला हमने? डिविडेंड प्लान। एक और प्लान होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ प्लान। क्या होता है बच्चों? ग्रोथ प्लान। अब ग्रोथ प्लान में क्या होता है, ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग में हमने परचेज किए यूनिट्स, और किस रेट से परचेज किए? 10 रुपये से। और 10 रुपये से ये हो गया 15 रुपये, राइट। पर यहाँ पर म्यूचुअल फंड हाउस को पब्लिक ने कहा है कि कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट मत करना, क्योंकि जब आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो कुछ ना कुछ अपनी कैपिटल मार्केट से होल्डिंग को कम कर देते हो। जब होल्डिंग को कम कर देते हो तो वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपने आप से क्या हो जाती है? जब वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है तो वो आगे ग्रो भी कम करती है। भाई अगर डिविडेंड प्लान की बात करूँ, 1 रुपया पर यूनिट अगर आपको डिविडेंड मिल भी गया है, आपके अकाउंट में 1,000, 1,200, 1,500 रुपये आ गए, अगर आपने 1,000 यूनिट परचेस की हुई हैं, तो उस 1,000 रुपये का आपने क्या कर लेना है? एक मूवी देख लेनी है, खत्म हो जाएगा, है ना। पर सर जो ग्रोथ होगी 1,000 रुपए की आगे, वो ग्रोथ अब आपकी कम होगी, राइट। तो यहां पर बच्चों म्यूचुअल फंड हाउस, मतलब पब्लिक कहती है म्यूचुअल फंड हाउस को कि सर आप हमें डिविडेंड मत दो, कैश नहीं चाहिए हमें, जो पैसा अपने आपके पास है वो अपने पास रखो, बट ये पैसा टाइम टू टाइम क्या हो जाए? बढ़ता जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ग्रोथ प्लान, ठीक है। अब इसके बाद एक और प्लान होता है जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान। रीइन्वेस्टमेंट प्लान, ये डिविडेंड इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है ये मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। अभी मैं वापस पहुंच जाता हूं moneycontrol.com पे, जो कि क्योंकि वहां पर तो क्या बोला हुआ था अभी डिविडेंड प्लान के बारे में, राइट। जस्ट वन मिनट, हाँ जी, वापस कहाँ पहुँच गए हैं? सॉरी, यस प्लीज प्लीज सी हियर, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? लॉन्च डेट। व्हाट डू मीन बाय दिस? ये स्कीम स्टार्ट कब हुई थी? तो ये स्कीम स्टार्ट कब हुई थी, कौन सी स्कीम है एक बार देख लेते हैं। एक्सेस इक्विटी फंड रेगुलर प्लान डिविडेंड, और ये स्टार्ट कब हुई थी? December 8, 2009 को, राइट। तो ये तब से, मतलब, और याद रखना बच्चों, जब भी स्कीम स्टार्ट होती है, फॉर्म होती है, नई बनती है, तब से तब उसकी NAV हमेशा हमेशा 10 होती है। द इनिशियल NAV ऑफ द म्यूचुअल फंड हाउस इज ऑलवेज 10, राइट। और 10 रुपये आज तक, मतलब 2009 से बढ़ते हुए आज जो है वो कितने हो गए हैं? 14.850। चलिए और आगे चलते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है बेंचमार्क निफ्टी 50, राइट, मिल गया आपको? बेंचमार्क कितना है? निफ्टी 50। अभी बेंचमार्क क्या होता है? एनीबॉडी? यू कैन से दैट बेंचमार्क का मतलब होता है एक आइडल, राइट। यू कैन से, तो देखो जब आप छोटे होते थे तो आपको हमेशा मम्मी पापा कैसे समझाते थे कि क्यों पढ़ना चाहिए, आपको कहते थे बेटा देख तुझे जो है अपने भाई के जैसा बनना है, राइट। अगर आपके मासी का लड़का, मासी की लड़की जो है अगर फर्स्ट आ रही है तो बाकी सब दुनिया को छोड़कर आपको क्या कहा जाएगा? तुझे उसके जैसा बनना है। तो वो आपके लिए मम्मी पापा ने क्या बना दिया? एक बेंचमार्क कि भाई तेरा टारगेट ये है, तुझे ये बनना है, राइट। तो इसको बोलते हैं बेंचमार्क। तो हर एक इंसान का हमेशा हमेशा एक बेंचमार्क होता है, हर एक प्रोजेक्ट का हमेशा हमेशा एक बेंचमार्क होता है,
राइट। तो ऐसे यहाँ पर बेंचमार्क दिया गया है निफ्टी 50, मतलब क्या, देखो ये जो हमारा फंड है वो कभी कभी तो रिटर्न प्रोवाइड करेगा, कभी रिटर्न प्रोवाइड नहीं करेगा, पर कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो हमारा फंड है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, हाउ वी विल डिसाइड। तो इन्होंने कहा कि सर हमारा जो बेंचमार्क है ना, हम स्टार्टिंग से बता देते हैं कि हम लोग बेंचमार्क निफ्टी 50 के बारे में बात कर रहे हैं। निफ्टी 50 अगर ग्रो करेगा 5% और हमारा फंड ग्रो करेगा 6%, दिस मीन्स द परफॉर्मेंस ऑफ आवर फंड इज गुड। निफ्टी 50 इफ ग्रो बाय 20%, हमारा फंड ग्रो करता है 18%, तो इसका मतलब है कि हमारा फंड बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर रहा। मतलब परफॉर्मेंस को आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे, दैट इज बेसिकली बेंचमार्क। अच्छा समझ में आ गया। तो बेंचमार्क मतलब कि हम अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट करेंगे। और देखो उसके बाद है असेट साइज। असेट साइज का मतलब वैसे नाम से क्लियर हो रहा है, क्या मतलब होगा इसका, कि इस वाले फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, कितने लोगों ने इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया होगा। कितना है ये, 1,811 करोड़। आपको लगता है कि एक ही फंड में 1,811 करोड़ रुपया, इज अ गुड, इज अ बिग नंबर और नॉट, इज अ बिग नंबर, राइट। अच्छा इसके अलावा मैंने आपको अभी एक और फंड बताया था, HDFC इक्विटी फंड, मैंने आपको दिखाया नहीं, मनी कंट्रोल। एंड आपको क्या लगता है एक ही फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड हो जाएगा, अराउंड कितने लोग कितना पैसा इन्वेस्ट कर लेंगे, ऐसे कुछ मैं अंदाजा पूछ रहा हूँ। अठारह सौ करोड़ तो इसी फंड में था जो आपको ये दिखाया, राइट। इससे ज्यादा और कितना हो सकता है, हाँ जी क्या बताया आपने, डबल कर लें, 1800 का डबल कितना हो जाएगा, 3600 करोड़, राइट। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लोग कितने इंटरेस्टेड होते हैं इन फंड्स में। यही था ना HDFC इक्विटी फंड। अच्छा मेरा कोई फेवरेट नहीं है ये फंड, बस ये समझाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ, नथिंग एल्स। मैं जिन भी फंड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं किसी फंड के बारे में रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, गॉट इट, सिर्फ समझाने के लिए सब यूज़ कर रहा हूँ। डोंट थिंक इसे मैंने ये बताया और आपको ये परचेज करना, नो। एंड दिस असेट साइज इज 12,666 crores इन अ सिंगल फंड, इट हैज एस असेट साइज ऑफ 12,000 करोड़। यस अच्छा, और थोड़ा वापस आ जाते हैं एक्सिस पर। हम लोग इसकी इंफॉर्मेशन देख रहे थे, तो ये हमने क्या देखा था, असेट साइज। अच्छा इसके बाद लिखा हुआ है इन्होंने मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मतलब आप जो है अगर इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मिनिमम टू मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, 5,000, मतलब 5,000 की लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो। पर ये इन्वेस्टमेंट तब है जब आप लमसम में इन्वेस्ट करो, अगर आप सिप में करते हो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो उसके लिए ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके लिए आपके पास और कोई इन्वेस्टमेंट का अलग से गिवन होगा, राइट। आगे है लास्ट डिविडेंड, जैसे कि हमने देखा ये जो फंड है ये कौन सा वाला फंड है, डिविडेंड। अगर ये डिविडेंड फंड है तो डेफिनेटली ये फंड डिविडेंड भी दे रहा होगा, राइट। तो ये कितना डिविडेंड दिया हुआ है, उसने बताया हुआ है कि लास्ट डिविडेंड 1 रुपये का पर यूनिट, और कब दिया उसने, मार्च 10, 2016 को। और इसके डिविडेंड हिस्ट्री देना चाहो तो इस पर क्लिक कर दो तो मालूम चल जाएगा कि इस फंड ने कब कब कितना कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट। बोनस नहीं है। अच्छा इसके बाद है फंड मैनेजर, बच्चों ध्यान दो, फंड मैनेजर ध्यान दो, हमने म्यूचुअल फंड हाउस में पैसा इन्वेस्ट क्यों किया हुआ था, ताकि कोई पर्सन ऐसा हो जो कि इंटेलिजेंट हो, प्रोफेशनल क्वालिफाइड हो, प्रोफेशनली हमारे इस पैसे को मैनेज करे। सो ये जो फंड मैनेजर होता है इसका नाम देना बहुत बहुत कंपलसरी है, बिकॉज इट ही इज़ अ पर्सन हु इज़ एक्चुअली हैव ए डिसीजन पावर, जो कि ये डिसाइड करेगा कि पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, राइट। तो इसलिए फंड मैनेजर को यहाँ पर जरूर बताया जाता है, और इनफैक्ट कोई भी फंड मैनेजर जो है वो ये बताता है कि उसकी परफॉर्मेंस पास में ये थी, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम इस तरह से फ्यूचर में काम कर रहे हैं। आई थिंक क्लियर। इसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए इसको क्लिक कर देंगे, आ जाएगा। इसके बाद है एंट्री लोड, ये मुझे आपको बताना है एंट्री लोड क्या होता है। एंट्री लोड मतलब जब भी आप परचेज करते हो तो कुछ एक अमाउंट यू कैन से प्रोसेसिंग चार्जेस के लिए खर्च करते हो। ध्यान से सुनिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड हाउस परचेज करते हो तो आपको प्रोसेसिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं,
राइट, एंड दैट प्रोसेसिंग चार्जेस इज कॉल्ड एंट्री लोड। देखो आपको एल आई सी परचेज करना है, तो एल आई सी परचेज कैसे करते हैं? किसी एजेंट के थ्रू, राइट? अगर एजेंट के थ्रू परचेज करते हैं तो एजेंट को कुछ कमीशन वगैरह मिलता भी है या नहीं? कौन पे करता है? कंपनी पे करती है, पर कंपनी कहाँ से लेती है? ऑब्वियसली कस्टमर से। कस्टमर इज द पर्सन जिससे कि ये कमीशन चार्ज किया जाएगा, राइट? सो कमीशन बेसिकली कस्टमर से ही लिया जाता है। तो सेम काइंड यहाँ पर है एंट्री लोड, बट सर इस फंड के अंदर एंट्री लोड नहीं, राइट? एग्जिट लोड, एग्जिट लोड पे क्या होता है? अगर आप पैसा विड्रॉ करोगे तो भी प्रोसेसिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे, और प्रोसेसिंग चार्जेस कितने होंगे? 1%। और जनरली कहा जाता है कि अगर आप एक साल के बाद पैसा विड्रॉ करोगे तो आपसे एग्जिट लोड नहीं लिया जाएगा, राइट? ये शायद आगे डिफाइन किया हुआ है लोड कमेंट्स। एग्जिट लोड 3% इफ रिडीम स्विच आउट टू अप टू 6 months, 2% इफ रिडीम स्विच आउट आफ्टर 6 months एंड अप टू 12 months, एंड 1% इफ रिडीम स्विच आउट आफ्टर 12 months एंड अप टू 24 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। एंड देन आगे लिखा हुआ है विद इन 12 months फ्रॉम द, ये मतलब बताया हुआ है कि स्कीम के अंदर हम जो एग्जिट लोड लगाएंगे वो कितना कितना लगाएंगे, राइट? और कॉन्टैक्ट ऑफिस, रजिस्टर ऑफिस क्या है? एड्रेस दिया हुआ है, टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, फैक्स नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दी हुई है, और क्या दिया हुआ है? वेबसाइट एड्रेस दिया हुआ है, राइट? तो वेबसाइट एड्रेस पर क्लिक करोगे तो आप वापस कहाँ पहुँच जाओगे? जो मैंने अभी आपको दिखाया था एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस की एसेट मैनेजिंग कंपनी से, राइट? नेक्स्ट इज कि सर हम लोग म्यूचुअल फंड परचेज कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर हम लोग म्यूचुअल फंड परचेज कैसे कर सकते हैं? तो सर यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बड़ा सा फायदा करवाने वाला हूँ। इनफैक्ट जितनी भी फीस आपने मुझे पे की होगी या पे करोगे वो आपकी वापस आने वाली है। क्या बात है सर, क्या बात है, उससे ज़्यादा पैसे वापस आने वाले हैं सर। देखो परचेज कैसे कर सकते हैं, पहले तो आप बच्चों के मतलब पब्लिक के माइंड के अंदर एक थोड़ा सा नेगेटिव थॉट ये है कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना कंपलसरी है। नो, नेवर, देयर इज नो कंपल्सन टू परचेज म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम द डीमैट अकाउंट। हाँ, डीमैट अकाउंट के थ्रू भी आप म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हो, दैट इज ट्रूथ, पर डीमैट अकाउंट के थ्रू ही आप म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हो ऐसा नहीं है, राइट? आप कैसे परचेज कर सकते हो? जैसे कि एल आई सी एजेंट्स होते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड्स के भी बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनको फ़ोन करो और वो आपके घर आ जाते हैं, फॉर्म फिलअप करवाते हैं, पैसा लेते हैं, चेक लेते हैं, रजिस्टर करते हैं और अकाउंट खुलवा देते हैं। पहला ऑप्शन, पहला कैसे परचेज कर सकते हैं? थ्रू एजेंट्स, राइट? पहला तो हमने बता दिया दिस इज थ्रू एजेंट, जस्ट फॉर मिनट। अच्छा, दूसरा रास्ता, पहला तो एजेंट के थ्रू हो गया, राइट? और उसके बाद मैंने कहा आप और आसान रास्ता, अगर आप किसी एजेंट को नहीं जानते, राइट, तो आप एजेंट जो है वो आपके आसपास हमेशा हमेशा हैं। आप कहोगे सर हमने तो कहीं देखा ही नहीं एजेंट आपका, देखा आपने म्यूचुअल फंड का एजेंट? नहीं देखा? देखा है सर, बिल्कुल देखा है, अभी बताते हैं। एक तो थ्रू कहा थ्रू एजेंट, अच्छा एक तो मैंने आपको कहा थ्रू डीमैट, डीमैट के अकाउंट भी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि डीमैट के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, डीमैट से भी ले सकते हो। एक थ्री किसी भी बैंक से आप परचेज कर सकते हो। आपके घर के आसपास कोई ना कोई बैंक है, PNB, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब सिंध बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एंड कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, अलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, कैनरा बैंक, राइट? जितने भी बैंक आपके घर के आसपास हैं, कोई भी बैंक म्यूचुअल फंड बेचता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अच्छा स्टेट बैंक में अगर मैं जाऊँगा, SBI में जाऊँगा, तो SBI से तो SBI वाले मुझे म्यूचुअल फंड मिलेंगे? ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो किसी भी बैंक से किसी भी तरह से मिल सकती है। मतलब आप SBI से HDFC के म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हो, HDFC से ICICI के परचेज कर सकते हो, ICICI से एक्सिस के परचेज कर सकते हो, किसी भी बैंक से आप कोई भी म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो बैंक है ना वो एक एजेंट की तरह से काम करता है। बैंक इज वर्किंग लाइक ए एजेंट। तो आप बैंक को मान लो वो एजेंट है, अगर एजेंट को आप कहोगे कि मुझे HDFC खरीदना है तो HDFC खरीदवाएगा,
राइट, नो डाउट। आपको अगर सर हम जब बैंक में जाएंगे तो क्या वो हमें कंसल्टेंट प्रोवाइड करेंगे कि हमें कौन सा म्यूचुअल फंड परचेज करना चाहिए? यस yes. हर एक बैंक ने एक कंसल्टेंट भी रखा हुआ है ये सजेशन देने के लिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड परचेज करना चाहिए, राइट। और अगर आप अपने अपने इन्वेस्टमेंट को खुद नहीं जान सकते तो बैंक के अंदर हमेशा हमेशा कोई ना कोई कंसल्ट, इनफैक्ट पंजाब नेशनल बैंक में भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी है, हर बैंक में जब भी गया हूं तो मुझे तो कोई ना कोई कंसल्टेंट मिला है। अच्छा, अगर ये एजेंट है तो इनको कुछ बेनिफिट होता होगा? डेफिनेटली यस, राइट। देखो जितने भी आप एजेंट के थ्रू लोगे, चाहे डीमेट अकाउंट के थ्रू लोगे, तो डीमेट अकाउंट जिससे खुलवाया वो भी एक एजेंट बन गया, राइट। तो यहाँ पर जितने भी प्लान मिलते हैं ना, उन प्लान को हम बोलते हैं रेगुलर प्लान। प्लीज ध्यान दीजिए, क्या बोलते हैं? रेगुलर प्लान, राइट। एक आप एक और थ्रू ले सकते हो, दैट इज थ्रू सेल्फ। अगर आपको पता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना है तो किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से ले सकते हो। आप खुद से कैसे लोगे? जो खुद से लोगे ना, उसमें कोई एजेंट तो इन्वॉल्व है नहीं, और जब आप खुद से लोगे तो आपको जो प्लान मिलेगा दैट इज डायरेक्ट प्लान। और मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा कि रेगुलर प्लान में और डायरेक्ट प्लान में ऑलमोस्ट 1 से 1.5% का फर्क हो जाता है लॉन्ग टर्म में। कितने परसेंट का? 1 से 1.5% का, राइट। शुड वी प्रूव और नॉट? यस सर, 1 से 1.5% का फर्क हो जाता है। जैसे कि मैं वापस चला गया moneycontrol.com में, और moneycontrol.com में मैं चला गया ये एक्सेस प्लान है। और ध्यान से देखो ये कौन सा प्लान है, एक्सेस इक्विटी फंड रेगुलर प्लान। तो रेगुलर फंड प्लान मतलब ये कैसे परचेस होगा? थ्रू एजेंट, ये किसी एजेंट के थ्रू परचेस होगा, राइट। अच्छा, इसके रिटर्न को आप कहीं पर लिख लो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं जो जो फंड आपको दिखा रहा हूँ, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी ऑफ द प्लान, दिस इज जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस, राइट। अच्छा, 2 साल का रिटर्न देख लो कितना लिखा हुआ है, 6.1, 3 साल का 18, एंड 5 साल का 15.7। ये लिख लो, 3 साल और 5 साल लिख लो कहीं पर, 3 साल और 5 साल का ये प्लान का रिटर्न लिख लो कितना है। ये 3 साल का एनुअल रिटर्न है 18%, और 5 साल का एनुअल रिटर्न है 15.7%। लिख लिया। अच्छा, अब मैं moneycontrol.com पे हूँ, और moneycontrol.com पे मैंने यहाँ पर लिखा एक्सेस इक्विटी फंड। हाँ जी, फंड ये आ गया, एक्सेस इक्विटी फंड आ गया। और आप देखो डायरेक्ट प्लान लिखा हुआ है, अब डायरेक्ट प्लान भी दो हैं, एक डिविडेंड है और एक ग्रोथ है। मुझे कौन से पे क्लिक करना चाहिए? अब डिविडेंड वाले पे, क्योंकि पहले वाला जो था वो भी डिविडेंड था। आप डायरेक्ट प्लान डिविडेंड, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। और बच्चों ये मेरे पास एनईवी आ रही है 15.46 समथिंग, राइट। आप देखो ये रेगुलर प्लान नहीं है, ये कौन सा प्लान है? डायरेक्ट प्लान। जब डायरेक्ट प्लान पे क्लिक किया तो मेरे पास जो एनुलाइज रिटर्न आ रही है, पहले कितनी आ रही थी, 3 साल की पहले कितनी आ रही थी बच्चों? 18%। यहाँ पर कितनी आ रही है? 19.3%। तो कितने का फर्क हो गया? 5 साल की रिटर्न कितनी आ रही थी? 15। यहाँ पर 5 साल की रिटर्न इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये प्लान 5 साल पुराना नहीं होगा। अगर 5 साल पुराना होगा तो ये रिटर्न भी डेफिनेटली 15.7 से भी बहुत ज़्यादा हो गया, अराउंड 17% के। मैं आपको कोई और प्लान बताता हूँ जो कि पुराना होगा, इससे और क्लियर आएगा। लाइक HDFC की बात करते हैं, HDFC इक्विटी प्लान। हाँ जी, देखिएगा HDFC इक्विटी प्लान डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, मैंने क्लिक कर दिया HDFC इक्विटी प्लान डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। हाँ जी, ये डायरेक्ट प्लान है बच्चों। हाँ जी, रिटर्न लिख दीजिए। अच्छा, ये भी 3 साल पुराना है, 5 साल पुराना ये भी नहीं है। तो 3 साल पुराना में रिटर्न कितनी आ रही है? 25.2% पर एनम है, ये पर एनम है, राइट। और HDFC इक्विटी का अगर मैं रेगुलर प्लान लेता हूँ ग्रोथ वाला, HDFC
इक्विटी, कौन सा प्लान? रेगुलर प्लान, ग्रोथ। ये रेगुलर, जब नहीं लिखा हुआ कुछ भी डायरेक्ट प्लान है तो वो रेगुलर होता है, राइट? तो ग्रोथ लिख दिया मैंने, इसमें क्लिक कर दिया है। तो आप देखते हैं कितना आ रहा था बच्चों, पहले 3 साल के लिए 25, और अब देखिएगा कितना आ रहा है, 24.2। तो ये 3 साल में ही 1% का रिटर्न का फर्क पड़ जाता है, और 5 साल में तो अराउंड 1.5% का है, और 10-12 साल में तो अराउंड 2.5-3% का है। और 2.5-3% समझते हो, अभी देखा था 15% से जब हमने कैलकुलेशन की थी तो कितना करोड़ आ गया, कितना आ गया था, 10 से 19 आ गया था, राइट? तो आई थिंक फीस से ज़्यादा पैसा तो वापस आ गया आपका। अब आप कहोगे सर डायरेक्ट प्लान लेंगे कैसे, आप किसी भी बैंक में चले जाओ, किसी भी बैंक में किसी भी एजेंट के पास चले जाओ, आपको ये कहेंगे कि सर हमारे पास डायरेक्ट प्लान नहीं है, डायरेक्ट प्लान नहीं लेना चाहिए, इनफैक्ट होता ही नहीं, हमें पता ही नहीं। क्यों नहीं पता भाई? उनको जब फायदा ही नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली वो क्यों बेचेंगे, वो नहीं बेचेंगे। अगर आपको डायरेक्ट प्लान लेना है तो वो हमेशा हमेशा कंपनी की साइट से ही मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? कंपनी की साइट से। देखो हर एक म्यूचुअल फंड हाउस की अपनी एक साइट है, जैसे मैंने अभी आपको जो साइट दिखाई है वो ये बताई है एक्सिस म्यूचुअल फंड के। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड में देखो प्लानिंग सॉल्यूशन एंड न्यू इन्वेस्टर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, तो जैसे मैंने कहा मैं न्यू इन्वेस्टर हूँ, मैंने लिख दिया न्यू इन्वेस्टर, तो वो आपको बोलेगा कि रजिस्ट्रेशन करो, राइट? रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको फर्स्ट नेम, नाम, लास्ट डेट ऑफ बर्थ, पैन वगैरह डालना होगा, और उसके बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा, राइट? केवीसी डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए, नो योर कस्टमर, मतलब वो जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं पैन नंबर एंड आईडी, आधार कार्ड, तो वो सब आपके पास रजिस्टर होना चाहिए। एक बार ये रजिस्टर हो जाता है तो उसके बाद आपका ये अकाउंट खुल जाता है, और जैसे ही अकाउंट खुल जाता है तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू सीधा सीधा म्यूचुअल फंड के साइट्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है, दिस इज जस्ट लाइक बैंक अकाउंट। जैसे आप बैंक, भाई बैंक में आपने पैसा जमा कराया तो कैसे देखोगे? नेट बैंकिंग के थ्रू, नेट बैंकिंग थ्रू देखोगे, हाँ भाई मेरा इतना पैसा पड़ा हुआ। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, आप जो है इसको ऑनलाइन एक्सेस करना और देखना कि कितना फंड जो है कितना ग्रो हो गया। पैसा विड्रॉ करना है नेट बैंकिंग के थ्रू, क्या करोगे? दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है, क्या करोगे? जस्ट क्लिक, राइट? यहाँ पर भी यूजर आईडी के थ्रू आप एंटर करना, और आपको रिडम्पशन करनी है, क्लिक कर देना रिडम्पशन के ऊपर, और आपका पैसा आपके अकाउंट में 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। मैं 1 वीक ज़्यादा बता रहा हूँ, 3 दिन में आ जाता है पैसा, पर 1 वीक का टर्म समय जो है वो ऑफिशियल टाइम होता है, ये मान के चलते हैं। ये एक्सिस हो गया, आपको कहने से मुझे तो एक्सिस में नहीं करना, मुझे तो HDFC करना है, तो सर HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का अपनी अलग एक वेबसाइट है, तो वहां पर जाके आप ये सब कर सकते हो। गूगल जी जो है वो सब कुछ बता देते हैं, HDFC म्यूचुअल फंड। सो दिस इज, वी हैव HDFC म्यूचुअल फंड, तो HDFCfund.com। तो आप यहाँ पर चले गए, तो यहाँ पर भी पूरा का पूरा एक प्रोसेस होगा, रिलायंस के लिए अलग है, राइट? और लिखा हुआ साफ सा ट्रांजेक्ट नाउ पे क्लिक कर दो, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगी, नेट बैंकिंग से यहाँ पैसा आ जाएगा, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। बट सर डायरेक्ट प्लान परचेज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करने हैं। अगर आपको पता है तो आपके लिए डायरेक्ट प्लान ही बेस्ट हैं। हाँ, अगर आपको नहीं पता तो डेफिनेटली आपको किसी ना किसी एजेंट की सहारा लेना पड़ेगा ये पता लगाने के लिए कि आपको कौन सा प्लान सूट करता है, आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट होगा, राइट? और फिर से एक वार्निंग, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये जितना भी मैंने आपको बताया एवरीथिंग इज फॉर एजुकेशन पर्पस, आई थिंक क्लियर? ओके, कम बैक। तो बच्चों इसके बाद एक छोटी सी वीडियो दिखा रहा हूँ आपको मैं, राइट? सो ये वीडियो काफ़ी अच्छी, मतलब बच्चों को पसंद आती है, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देखें और आपको भी अच्छा लगेगा। ये हमने YouTube से ली हुई है, नो डाउट, दिस इज ए कार्टून प्रेजेंटेशन ऑफ द ऑल इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको बताई। अच्छा, एक छोटी सी बता दूँ, जब भी म्यूचुअल फंड फॉर्म होता है, तो
कुछ जब भी म्यूचुअल फंड हाउस फॉर्म होगा तो कौन होगा, कौन करेगा? रेपुटेटेड कंपनीज, राइट। तो जब भी ये फॉर्म करेंगे तो सबसे पहले तो ट्रस्टीज फॉर्म करेंगे, मतलब सबसे पहले ट्रस्टीज बनाए जाएंगे। ट्रस्टीज का काम होगा कि एक बनाई जाएंगी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का काम होगा कि पब्लिक से पैसा इकट्ठा करेंगे, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करेंगे, और इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा? हाँ जी, कैपिटल मार्केट से। पैसा ग्रो होगा और फिर पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट होगा। पर सर, सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चल रहा है, इसको वॉच, इसको देखा देखेगा कौन? ट्रस्टीज। ट्रस्टीज हैज अ रोल टू जस्ट वॉच वेदर द एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म बाय द सेबी। हाँ, उसके बाद बिल्कुल सही बात है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सर आपने अभी कहा था कि एएमसी जो भी बनाएगा, मान लो एचडीएफसी ने एक एएमसी बना लिया है, और एएमसी में से एचडीएफसी को क्या प्रॉफिट होगा? सर मैंने आपको कहा कि एएमसी को भी कुछ मिलेगा, भाई इसने भी एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड पर्सन अपॉइंट किया हुआ है, इनकी एक बिल्डिंग है, इस पर डेपोजिशन चार्ज हो रहा है, पूरी टीम है जो काम करती है, तो इनको बेनिफिट कहाँ से होगा? बेनिफिट ऐसे होगा कि जब भी पूरे साल में जितने भी इन्वेस्टमेंट होगी उसका एक परसेंटेज एक्सपेंस की फॉर्मेट में ये अपने पास रख लेंगे, राइट। रेगुलर प्लान्स में ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये थोड़े से ज़्यादा होते हैं, और डायरेक्ट प्लान में ये एक्सपेंसेस थोड़े से कम होते हैं, इसी रीज़न से वो वहाँ पर फ्लक्चुएशन सारी थी, राइट। मैंने कहा एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में ये डिपेंड करता है असेट मैनेजमेंट कंपनी टू असेट मैनेजमेंट कंपनी। रेगुलर प्लान के अंदर आप मान के चलें कि ये 2.5% तक एक्सपेंस चार्ज करते हैं, 2.5% तक, आई एम नॉट सेइंग कि 2.5% ही चार्ज करेंगे, टिल अप टू 2.5% ऑफ द असेट वैल्यू दैट दे है। और डायरेक्ट प्लान में ये चार्ज करते हैं अराउंड 1.5% तक। अगेन सही, आई एम फिर से बता रहा हूँ, टिल मतलब यहाँ तक, आई एम नॉट सेइंग कि 2.5% चार्ज करते हैं या 1.5% चार्ज करते हैं, ये हर असेट मैनेजमेंट कंपनी अपने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करती है, राइट। सो दे आर चार्जिंग एक्सपेंसिव, और जो ये एक्सपेंसिस जो चार्ज करते हैं परसेंटेज के फॉर्मेट में ऑफ द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट दे हैव इन देयर हैंड, चाहे वैल्यू बढ़े चाहे कम हो, दे विल चार्ज द एक्सपेंसिस ऑन द डेली बेसिस, ऑन द डेली बेसिस। भाई 2.5% अगर चार्ज है तो उसको डिवाइड बाई 365 कर दो, एक दिन का एक्सपेंस आ जाएगा, जो एक दिन का एक्सपेंस होगा उस एक्सपेंस को हर रोज की जो वैल्यू होगी उसमें से डिडक्ट कर दिया जाएगा, वो इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी का प्रॉफिट होगा। और उसमें से नो डाउट एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है बहुत सारे खर्चे करेगी, प्रोफेशनल पर्सन को रखा है उसके खर्चे पे करेंगी, एसेट मैनेज ट्रस्टी जो है इनकी सैलरी होगी, इसके अलावा जो टीम वर्क कर रही है उसके एक्सपेंसेस होंगे, अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो कैपिटल मार्केट से शेयर परचेज कर रही है तो ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह पे करने होंगे, एवरीथिंग इज देयर। तो इन सब के खर्चे बचने के बाद जो बचेगा वो एचडीएफसी का अपना प्रॉफिट होगा। जनरली हर एक म्यूचुअल फंड हाउस प्रॉफिट में ही होता है, प्रॉफिट और लॉस तो किसका होता है, प्रॉफिट या लॉस किसका होता है? पब्लिक का। आई थिंक क्लियर, राइट सर। तो बच्चों एक छोटे से वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा पक्का। What comes to our mind when someone mentions mutual fund? Boring, complicated. Not actually. Let us explain how a mutual fund works. Okay. This is how it works. Investors like us pool in money to form a mutual fund. An asset management company or AMC is appointed to manage the money according to various goals. The AMC has professional people who understand how markets and money work. And then there are trustees of mutual fund who keep monitoring the AMC's activities to ensure that investors' interests are protected. The AMCs take your money and invest in stocks and fixed income investments. Now it's a given that stock markets and bond markets have ups and downs. There is no escape from that fact. To reduce this risk, the asset management company does a very smart thing. For equity investments, they go and invest in not one, but several industries. This ensures that even if one stock doesn't perform well, the better performing stocks balance the dip. For debt investments, they invest in various securities to spread the risk.
debt funds, when teamed with equity investment in diverse industries, make for a great investment combo. It has the growth of equity investment and stability of debt funds. All these factors make mutual fund investments less risky than a common man investing in equity and debt directly, and more beneficial. Okay, what happens after you invest in mutual funds? Once your money is invested in a mutual fund, you are then given units which represent the money invested in the fund. These units are easily redeemable to get back your money, and they are generally mentioned along with the NAV. You must have come across this term. NAV, or net asset value, of a mutual fund represents the value of one unit of your investment after all fund expenses and management fees are paid. So whenever you feel like checking the market value of your investment, you simply need to multiply the given NAV by the number of units you hold. You can invest in a mutual fund in a lump sum manner or in smaller bits through a systematic investment plan called SIP. This makes mutual funds accessible for anyone, salaried, entrepreneurs, businessmen, anyone. You can know more about SIP in our video on advantages of SIP. So, is your investment doing well? Not so well. How do you know? You see, every fund has a fixed benchmark to measure their performance. This benchmark could be part of the Nifty or Sensex. To judge the performance of your fund, you need to check how the fund has performed against the benchmark set for its measurement. The fund manager's task is to analyze the market and cross the set benchmark of the fund. This is exactly why we pay fund managers. So mutual funds can offer many benefits like diversification, liquidity, professional management, low charges, and more. You can go through our video on why should you invest in mutual funds. To invest in mutual funds, call your financial advisor now. Call. I think clear, bachcho. So हमने जो जो आपको बताया वो सब कुछ इसमें छोटे से वीडियो में बताया गया, राइट? सो इसमें बताई गई है यूनिट्स, यूनिट्स ना? अब ये यूनिट्स क्या होते हैं? हाँ जी, यूनिट्स क्या होते हैं? बच्चों, अब हमारे पास मेन वर्क स्टार्ट होता है हमारे अब कोर्स का. बेसिकली मेनली हमें करना क्या है, देखो, पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हमें अकाउंटिंग वर्क करना है. मीन्स एसेट्स की वैल्यू कैसे फाइंड होगी. नंबर वन क्या बताया हमने, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम. इसकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी, नंबर वन. नंबर टू, हाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, राइट? एंड हाउ परसेंटेज रिटर्न विल बी कंप्यूटेड फॉर इन्वेस्टर, राइट? और बच्चों, नो डाउट, इसके अलावा हमें क्या करना होगा, बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस, राइट? बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया सारा का सारा, राइट? दिस इज अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट. अब हम एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, राइट? एक छोटी सी बात, ऑलरेडी वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि पब्लिक जब पैसा इन्वेस्ट करेगी तो किसको देगी, म्यूचुअल फंड हाउस को, राइट? म्यूचुअल फंड हाउस के पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा. जब म्यूचुअल फंड हाउस के पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो म्यूचुअल फंड हाउस क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा स्टार्टिंग से ही. पब्लिक ने पैसा दिया, राइट? किसने 1,000 रुपये दिए, किसने 500 रुपये दिए, किसने 1,500 रुपये दिए, किसने 2,000 रुपये दिए, एंड किसने 10,000 रुपये दिए, किसने 1,00,000 रुपये दिए, व्हाटएवर, राइट? तो पब्लिक ने पैसा दिया, किसको दिया, म्यूचुअल फंड हाउस को, राइट? अब म्यूचुअल फंड हाउस के पास सपोज करो 100 करोड़ रुपये इकट्ठा हो गया, जिसको म्यूचुअल फंड हाउस को आगे इन्वेस्ट करना है,
आगे इन्वेस्ट करना मतलब क्या, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कैपिटल मार्केट में, राइट। अब 100 करोड़ रुपया जो हो गया ना, इस पैसे को सबसे पहले म्यूचुअल फंड हाउस छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देगा, राइट। एंड इनिशियल पार्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड हाउस इज ₹10, इनिशियल पार्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड हाउस इज ₹10, और इसी ₹10 को हम लोग क्या बोलते हैं, एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, राइट। और जब हम इसको एनएवी से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10 से डिवाइड कर देंगे, तो अब आपके पास कितना आ गया, 10 करोड़। इसको बोलेंगे दैट इज कॉल्ड टोटल नंबर्स ऑफ यूनिट्स। मीन्स आप ऐसे कह लो कि जो 10 करोड़ यूनिट्स है ना, यही 10 करोड़ यूनिट्स डिफरेंट पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। सोचो ये एक इन्वेस्टर है, इसने कितने पैसे इन्वेस्टर किए हुए हैं, ये इन्वेस्टर है मिस्टर ए, मिस्टर ए ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, इन्वेस्टमेंट इसने की हुई है ₹1,000 की इन्वेस्टमेंट, राइट। और कितनी एनएवी से की हुई है, ₹10 की। इसको कितने यूनिट्स मिल जाएंगे, ₹1,000 का इन्वेस्टमेंट किया, ₹10 का एक यूनिट, तो कितने यूनिट मिल जाएंगे, 100। बड़ा सिंपल है, तो ठीक है ना, क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मिस्टर बी हैं, इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है सिर्फ ₹500 का, और ₹10 के हिसाब से कितने यूनिट मिल जाएंगे, ₹50 के। मिस्टर सी हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हैं 1500 की, और ₹10 के हिसाब से कितने यूनिट मिल जाएंगे, 150। मिस्टर डी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ₹10,000 का, ₹10 के हिसाब से कितने यूनिट मिल जाएंगे। सो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन ने जितने जितने इन्वेस्टमेंट की हुई हैं, उस हिसाब से उनको यूनिट्स अलॉट कर दी जाएंगी। और यूनिट्स अलॉट कैसे की जाएंगे, एक स्टेटमेंट भेज दिया जाएगा कि आपने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, इतने रुपए की एनएवी है, और डिवाइड करके आपके पास इतने यूनिट्स आपको मिल गई, राइट। अब ये यूनिट्स क्या फ्रैक्शनल हो सकती हैं, यस हो सकती हैं। देखो मैंने कहा अगर किसी पर्सन ने सपोज करो इन्वेस्टमेंट किए हैं ₹1,420, तो ₹10 के हिसाब से उसको कितने यूनिट्स मिल जाएंगे, 14.142। अच्छा थोड़ा सा और कम, ₹142 इन्वेस्ट किए हैं सिर्फ, ₹142, आप कितने यूनिट्स मिल जाएंगे, 14.2, दैट इज पॉसिबल। क्योंकि यूनिट्स तो एक कैलकुलेशन का तरीका है, हम ये बताना चाहते हैं कि इतनी वैल्यू के आप अधिकारी हो, राइट। अब म्यूचुअल फंड हाउस ने 100 करोड़, भाई म्यूचुअल फंड हाउस के पास जो कैश अवेलेबल है वो तो कितना है, 100 करोड़। इस 100 करोड़ को हमारा म्यूचुअल फंड हाउस आगे इन्वेस्ट कर देगा कहाँ पर, कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट में जब इन्वेस्ट कर देगा तो वो क्या क्या खरीद लेगा, HDFC शेयर, ICICI का शेयर, ऐसे ही रिलायंस कंपनी का शेयर, DHFL, LIC हाउसिंग एंड सिप्ला, रिलायंस रेनबैक्सी एंड बहुत सारे शेयर, ठीक है। अब उसने बहुत सारे शेयर खरीद लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बहुत सारे शेयर खरीद लिए, राइट। कुछ पैसा इस म्यूचुअल फंड हाउस ने डेप्ट में भी लगा दिया, डिवेंचर्स भी खरीद लिए, राइट। तो कुल मिला के सारे सारे पैसे इन्वेस्टेड हो गए, और इन्वेस्टमेंट होने के बाद ये इन्वेस्टमेंट हर रोज जो है एक वैल्यू शो कर रही है, राइट। अब एक साल के बाद जब हमने देखा तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो इसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, डैट इज नाउ 110 करोड़। टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 110 करोड़। अब जो ये 110 करोड़ रुपये की वैल्यू आ गई है, 110 करोड़ की वैल्यू आ गई है, इसको भी किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, सभी लोगों में। अब सभी लोगों में जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा तो इसको डिवाइड कर दिया जाएगा टोटल नंबर्स ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग से। मींस हमारे म्यूचुअल फंड हाउस ने कितनी यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट की थी, हाँ जी कितनी डिस्ट्रीब्यूट की थी, 10 करोड़। और 10 करोड़ यूनिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कोई नई यूनिट्स तो आई नहीं, अगर नई यूनिट्स नहीं आई तो हमने इसको 10 करोड़ से डिवाइड कर देंगे, तो अब हमारे पास ये जो नंबर आ जाएगा, डैट नंबर इज कॉल्ड क्या कहेंगे, 11। एंड डैट नंबर इज द, ये क्या चीज आ गया, अगेन एनएवी। अब मिस्टर ए कहेगा कि भाई मुझे तो अपनी इन्वेस्टमेंट से मतलब है, मुझे मतलब नहीं है कि हमारी पूरे म्यूचुअल फंड हाउस के पास कितने पैसे हैं और कितने पैसे नहीं है। तो हमारा म्यूचुअल फंड हाउस हम डिक्लेयर कर देगा कि ₹11 की एनएवी है। अब वो डिक्लेयर कहां पर करेगा, अपनी वेबसाइट पर, राइट। अपनी वेबसाइट से जो है इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी जाएगा, मनी कंट्रोल पे भी जाएगा, और वेरियस जगह पे प्लेस पे जाएगा। आप अगर न्यूज़पेपर उठा के देखते हो तो न्यूज़पेपर के अंदर भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउस की एनएवी लिखी होती है, तो वो भी ऐसी लिखी होती है, मतलब इन्वेस्टर्स को पता चल जाएगा कि एनएवी कितनी हो गई है, 11।
अब 11 रुपये की एनएवी हो गई है। अब मिस्टर ए जो है अपनी कैलकुलेशन करेंगे, मिस्टर ए अपनी कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं कि सर देखो मिस्टर ए ने जो यूनिट्स परचेज की थी वो कितनी यूनिट्स परचेज की थी, 100, उसके बाद 50 और ऐसे ही 150, 1000 और 14.2। अब एनएवी जो है वो निकाल लेते हैं, एनएवी कितनी है 11 रुपये, तो मतलब अब इनकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल सर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमने कहा इनकी वैल्यू हो जाएगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वैल्यू हो जाएगी 11 × 100 कितना 1100, और फिर से यहाँ पर एनएवी तो अभी भी 11 रुपये का ही है, 50 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, मतलब सोचो 500 इन्वेस्ट किए थे कितने हो गए 550, हर एक पर्सन की बात करो 1000 से कितने हो गए 1100, और फिर 150 यूनिट्स 11 रुपये की एनएवी कितनी वैल्यू 1650, 1500 इन्वेस्ट किए थे 1600, हर एक पब्लिक के लिए 10% रिटर्न क्या हो गई, बढ़ गई, राइट। अच्छा म्यूचुअल फंड हाउस ने हियर म्यूचुअल फंड हाउस ने ये डिसाइड किया कि इस डेट को जो हमारा म्यूचुअल फंड हाउस है ना वो डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिविडेंड देगा कितना 20 पैसे का, कितना डिविडेंड देगा 20 पैसे पर यूनिट, राइट। जब भी डिविडेंड दिया जाता है पर यूनिट दिया जाता है, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ हमेशा के लिए, या तो पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या फिर डिविडेंड का अमाउंट जो है या परसेंटेज जो है वो रेट पे गिवन होता है, लाइक क्वेश्चन कहता है डिविडेंड इज 10%, तो ये 10% 15% 20% जो भी होगा वो किस चीज़ का होगा, हमेशा हमेशा इनिशियल एनएवी का, इनिशियल एनएवी का, राइट। तो 10% किस चीज़ का 10 का, या फिर 20% किसका 10 का, आई थिंक क्लियर। अब मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे म्यूचुअल फंड हाउस ने 20 पैसे पर यूनिट का जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो 20 पैसे पर यूनिट कितना परसेंटेज हो गया एनएवी के रिस्पेक्ट से, 2%, 2% ना बोलो, 2%। तो अब हमारे म्यूचुअल फंड ने डिसाइड किया है कि 2% का हम लोग ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब बच्चों अगर 2% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर एक यूनिट होल्डर को 20 पैसे पर यूनिट मिल जाएंगे, ठीक है। बट सर जब 20 पैसे पर यूनिट हर एक इन्वेस्टर को मिल जाएंगे तो एनएवी अब 11 नहीं होगी, एनएवी अब 11 रुपये नहीं होगी, क्योंकि होगा क्या कि जब हमारा म्यूचुअल फंड हाउस 20 पैसे पर यूनिट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो उसको कुछ ना कुछ कैश निकालना पड़ेगा अपनी इन्वेस्टमेंट में से, है ना, और उसको कैश कितना निकालना पड़ेगा, उसको कैश निकालना पड़ेगा 20 पैसे पर यूनिट, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी थी 10 करोड़, तो 20 पैसा पर यूनिट इंटू 10 करोड़ मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 करोड़, 2 करोड़ रुपया कैश निकालना पड़ेगा, तो बाकी बचेंगे कितने 108 करोड़, और इसके बाद हम लोग कहेंगे कि इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर्स ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग से, और नंबर्स ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग कितनी है 10 शेयर, और डिवाइड कर दीजिएगा इतना आ जाएगा 10.8, राइट। अब मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों बताओ किसी भी एक म्यूचुअल फंड होल्डर के लिए परसेंटेज रिटर्न आइडेंटिफाई करना है तो वो परसेंटेज रिटर्न कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, म्यूचुअल फंड किसी भी इन्वेस्टर के लिए परसेंटेज रिटर्न उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आप कहेंगे सर देखो उसने जो है वो 10 रुपये के हिसाब से स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट की, एक साल के बाद इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने में हो गई 10.8, तो उसको एक तो बेनिफिट ये हुआ कि उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, 10 से 10.8 हो गई तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 10.8 माइनस 10 यानी कि 0.8, राइट। उसके अलावा उसको एक यूनिट के रिस्पेक्ट से डिविडेंड भी मिला, कितना डिविडेंड मिला 0.2, तो ये भी उसके रिटर्न में ऐड कर दिया जाएगा, और डिवाइड कर देंगे बेस से, और बेस क्या है, बेस है 10, तो बेस से डिवाइड कर देंगे यानी कि 10 से × 100, इट इज़ द परसेंटेज रिटर्न टू द इन्वेस्टर। आई रिपीट अगेन, अगर आपको परसेंटेज रिटर्न टू इन्वेस्टर आइडेंटिफाई करना है तो कैसे आएगा, एन ए वी एट एंड, कौन से वाला, एक्स डिविडेंड या फिर कम डिविडेंड, एक्स डिविडेंड माइनस एन ए वी इन बिगनिंग, ठीक है, स्टार्ट में ये जो डिफरेंस आ गया दैट इज द बेसिकली कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड राइट, और डिवाइडेड बाय बेस एनएवी, और बेस एनएवी कौन सा होता है बिगनिंग वाला, इनटू व्हाट, इनटू 100, तो बच्चों एनएवी एट एंड बता दो 10.8, एनएवी इन बिगनिंग बता दो 10, प्लस डिविडेंड बता दो
0.2 डिवाइड बाय एनी वे इन बिगनिंग बता दो तो बच्चों ये आपके पास आ गया आई थिंक। और ये 10% रिटर्न कितने टाइम पीरियड के लिए? एक साल के लिए। एक साल कौन सा वाला साल? वो ईयर जो कि हमने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर लिया था। अगर मैं कहता हूँ कि इनके बीच में जो टाइम पीरियड है वो वन ईयर नहीं है, ये टाइम पीरियड सपोज 6 महीने का है। अगर ये 6 महीने का समय है तो जो ये 10% रिटर्न आएगी ये भी कितने समय के लिए होगी? 6 मंथ्स के लिए। और जब भी आप रिटर्न को रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, शो करके दिखाएंगे तो हमेशा हमेशा एनालाइज भी करके दिखाएंगे। तो अगर वो 6 महीने का समय था, सपोज 6 महीने का होगा, तो 10% कितने समय के लिए होगा? इसको 1 ईयर में कैसे कन्वर्ट कर लोगे? 10% डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 12। सो इस तरह से ये एक साल का रिटर्न आ जाएगा। हाँ जी कर सकते हैं। अच्छा ऐसा भी होता है, क्वेश्चन कहता है कभी कभी, मतलब हमारे पास लिखा होता है कि डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू फॉर्म, नंबर 1 इन द फॉर्म ऑफ द कैश डिविडेंड एंड नंबर 2 इन द फॉर्म ऑफ द कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या वर्ड यूज किया मैंने? कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि हमारे म्यूचुअल फंड हाउस ने सपोज करो HDFC बैंक के शेयर खरीदे, राइट, और वो खरीदे सपोज करो 1020 रुपये में, ऐसी कुछ भी बोल रहा हूँ, और ये आगे जाकर HDFC बैंक जो है वो हो गया 1200 का, राइट। तो मतलब एक शेयर पे प्रॉफिट कितना हुआ? 1200 माइनस 1020। तो अगर मैं प्रॉफिट पर शेयर बोलूँ, प्रॉफिट पर शेयर इज इक्वल टू 1200 माइनस 1020, और ये हो गया 180, और मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ शेयर्स टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए, चलो 180 पर शेयर आ गया प्रॉफिट। और टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट हो गया 180 मल्टीप्लाई बाय सपोज दैट वी हैव 500 शेयर्स, सो दिस इज द टोटल वी हैव। ये कितना आता है? हाँ जी 90,000, राइट। हमारे म्यूचुअल फंड हाउस ने ये डिसाइड किया है कि जितना भी ये प्रॉफिट आएगा ना, उस प्रॉफिट का आधा हिस्सा हम लोग हमेशा हमेशा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 90,000 रुपये का आधा हिस्सा यानी कि 45,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो मतलब इन्वेस्टर को जो डिविडेंड रिसीव हुआ वो दो रिसीव हुए, एक तो कैश डिविडेंड, वो डिविडेंड जो कि एट द ईयर एंड है या कभी भी हमारे म्यूचुअल फंड हाउस ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, और एक दूसरे नाम का डिविडेंड है, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली वो भी कैश ही है, उसका नाम अलग रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कैपिटल गेन। सो कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, मतलब ऐसा कह लो कि अगर मुझे परसेंटेज रिटर्न टू इन्वेस्टर फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? NAV एट एंड माइनस NAV इन बिगनिंग एंड प्लस कैश डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन। और सब कुछ किस फॉर्मेट में है? पर यूनिट के फॉर्मेट में, डिवाइड बाय बेस, और बेस कौन सा बचो? एनीवी एट बिल्डिंग, और इनटू, और बच्चों ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया ये कौन से वाले केस में यूज होगा? व्हेन दिस इज द केस ऑफ डिविडेंड प्लान। हमने आपको बताया था 4 तरह के प्लान होते हैं, कौन कौन से? क्या बात, बिल्कुल, डिविडेंड प्लान, ग्रोथ प्लान, डिविडेंड रिइन्वेस्टमेंट प्लान एंड बोनस प्लान। अभी हम जो आपके साथ बात कर रहे हैं वो कौन से प्लान के बारे में बात कर रहे हैं? डिविडेंड प्लान के बारे में। तो डिविडेंड प्लान में अगर आपको परसेंटेज रिटर्न आइडेंटिफाई करना हो तो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? दिस इज वी हैव डैट इज NAV एट एंड माइनस NAV बिगनिंग एंड प्लस कैश डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय बेस NAV इनटू 100, राइट। कॉपी करना चाहेंगे ये फॉर्मूला, राइट। अब सर ग्रोथ प्लान के बारे में भी इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं। ग्रोथ प्लान क्या बताया था, क्या होता है? ग्रोथ प्लान में हमने कहा था कि एक बार आप पैसा इन्वेस्ट करो तो हमारा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कहता है कि मुझे किसके बदले में कुछ भी रिटर्न डिविडेंड कैश ही फॉर्मेट में नहीं चाहिए, बस ये पैसा आप जो है आगे इन्वेस्ट करते रहो और इस पैसे को ग्रो करते रहो, राइट, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ऐसे बताया था ना। तो बच्चों इस केस के अंदर क्या कैश डिविडेंड कुछ होगा? नहीं होगा। क्या कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन होगा? नहीं होगा। मतलब ऐसे समझ लो ग्रोथ प्लान में क्या होगा,
ग्रोथ प्लान में क्या होगा कि आपने टी जीरो पर एनएवी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट किया, सपोज दैट इट्स 12 रुपए के हिसाब से, राइट और दो साल के बाद, मैं ऐसे ही दो साल लिख रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, दो साल के बाद ये पैसा जो है बढ़कर सपोज करो 18 रुपए हो गया। और अब आपको क्वेश्चन कहता है, मतलब आपसे पूछा गया, बताओ इसकी परसेंटेज रिटर्न कितनी है। जब भी परसेंट रिटर्न निकालेंगे तो किस फॉर्मेट में निकालेंगे, एनुलाइज्ड, एनुलाइज। तो अब आपको एनुलाइज रिटर्न निकालने, तो हम कहेंगे सर देखो 12 रुपए इन्वेस्ट किए थे, 18 रुपए हो गए हैं, तो रिटर्न कितनी आ गई है, 6 रुपए के। बेस क्या है, 12 × 100। और जो ये परसेंटेज रिटर्न आइडेंटिफाई होगा ये कितने समय के लिए आ जाएगा, दो साल के लिए। क्या हम पर एनम में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस। तो इस केस में हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, दैट इज परसेंटेज रिटर्न टू इन्वेस्टर इज इक्वल टू एनएवी एट माइनस एनएवी इन बिगनिंग डिवाइड बाय बेस एनएवी, और बेस एनएवी क्या है, बिगनिंग इनटू 100, वेरी सिंपल। तो हमने कहा बच्चों इसको कैलकुलेशन करते हैं, इट्स 18 माइनस 12 डिवाइड बाय बेस, कितना 12 ना इनटू 100 एंड हाउ मच परसेंट, 50%। पर ये कितने समय के लिए है, एंड फॉर वन ईयर। तो ए के लिए निकालते हैं तो इट विल बी 50% डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि कितना परसेंट, 25%। आई थिंक क्लियर। तो ये भी एक और फॉर्मूला बन गया। ये कौन सा प्लान है, ग्रोथ प्लान। हमारा एक और प्लान है जिसको हमने कहा कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो समय आ गया है। अच्छा डिस्कस करते हैं, पहले कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं, राइट। आपके फेवरेट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, मज़ा आता है ना, अच्छा लगता है जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं। सर पढ़ाई जा रहे हो, पढ़ाई जा रहे हो, क्वेश्चन तो करवा नहीं रहे, राइट। तो सर आपकी बात मैंने सुन ली और हम आपके साथ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, करवा रहे हैं। हाँ जी, आप ये आ जाइए पेज नंबर 3.23 पर, पेज नंबर 3.23 पर। हाँ जी मिल गया, क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th एंड 11th क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा सिंपल सा है, डेफिनेटली अपने आप से कर लेंगे। हाँ जी, and question says a mutual fund had a investment, sorry, a mutual fund had a net asset value of rupees 50 at the beginning of the year. हाँ जी, क्वेश्चन निकाल लिया है नहीं बच्चों? सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे वो आपके स्टडी मटेरियल के हों, चाहे वो आपके एग्जाम्स के हों, और चाहे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो किसी भी एग्जाम में आए हो, वो हमने ऑलरेडी इसमें इंक्लूड किया हुआ है, राइट। सो 11th क्वेश्चन वी आर स्टार्टिंग विद, a mutual fund had a net asset value NAV of rupees 50 at the beginning of the year. तो कहता है beginning of the year के अंदर जो NAV है वो कितने रुपए का है, 50 रुपए का। अच्छा, during the year a sum of rupees 4 was distributed as income dividend. कहता है कि हमने पूरे ईयर में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, और वो डिविडेंड कितने रुपए का डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, 4 रुपए का। रुपीज 4 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड एज इनकम डिविडेंड बिसाइड्स रुपीज 3 एज द कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन, सो कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो कितने का है, 3 रुपए का। एट द एंड ऑफ द ईयर एनएवी वाज रुपीज 55। तो लास्ट में ये एनएवी जो थी, गिवन थी पहले, वो बिगनिंग की थी, और एनएवी एट एंड, एनएवी एट एंड ये कितने के गिवन है बच्चों, 55। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल रिटर्न फॉर द ईयर। बताइए पूरे साल की रिटर्न कितनी है बच्चों? ये पूरे साल की रिटर्न कैसे निकालेंगे, क्या कहते हो, परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू एनएवी एट एंड माइनस, अच्छा कौन सा वाला केस हो गया, डिविडेंड वाला या फिर ग्रोथ वाला? ऑब्वियसली डिविडेंड वाला, क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एनएवी एट एंड माइनस एनएवी इन बिगनिंग एंड प्लस कैश डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन
डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवाइडेड बाय बेस एनएवी, यानी कि एनएवी इन इनटू 100. तो एनएवी एट एंड कितना है 55 माइनस 50 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइड बाय बेस यानी कि 50 कितना हो जाएगा. और ये 24% बच्चों कितने समय के लिए है, टाइम के लिए, एक साल के लिए. भाई अगर ये जो गैप है ये 1 ईयर का गैप है तो ये रिटर्न भी 1 ईयर के लिए है, और अगर ये गैप 1 ईयर से ज़्यादा या कम के लिए है तो ये रिटर्न भी कम या ज़्यादा के लिए है. कोई डाउट बच्चों इसमें? नो. सेकंड पार्ट देखो, मतलब 12th क्वेश्चन. सपोज फर्दर दी अफोर सेट, मतलब ऊपर 11th क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर रहा है. सपोज डैट आगे इसके और आगे चल रहे हैं हम लोग. सपोज डैट फर्दर दी अफोर सेट म्यूचुअल फंड इन द नेक्स्ट ईयर गिव्स ए डिविडेंड ऑफ ₹5. अगले साल में डिविडेंड कितना दिया हुआ है, ₹5 का एज द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड नो कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूटेड. और कैपिटल गेन कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया. एंड द एनएवी एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इज ₹50. तो अब लास्ट में जो एनएवी है कितनी हो गई है, ₹50 एनएवी हो गई है. व्हाट इज द रिटर्न फॉर द सेकेंड ईयर बताइए आप, सेकेंड ईयर का रिटर्न कितना होगा. तो जो सेकेंड ईयर के रिटर्न के लिए, प्लीज हियर, सेकेंड ईयर के रिटर्न के लिए जब हम ये वाला ईयर का बेस ले रहे हैं तो बेस एनएवी कौन सी होगी, ईयर्स, हाँ, फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग या सेकेंड ईयर का बिगनिंग, राइट. तो अब हमें परसेंटेज रिटर्न फिर से आइडेंटिफाई करना है. एंड हियर द परसेंट रिटर्न विल बी एनएवी एट एंड यानी कि 50 माइनस एनएवी इन बिगनिंग यानी कि 55, राइट, प्लस कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन हाउ मच, 5 डिवाइड बाय बेस. और बेस कौन सा वाला बच्चों, सेकेंड ईयर का बिगनिंग. और सेकेंड ईयर का बिगनिंग कितना है, इनटू 100, राइट. आई थिंक रिटर्न कितनी आ जाती है, 0%. हाँ जी, इजी और वेरी इजी, इजी और वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, मतलब इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता. बच्चों एफएम पूरा का पूरा बहुत आसान है, यकीन मानो पूरा एफएम ही बहुत आसान है, राइट. बच्चे बोलते हैं कि सर आपने एफएम ही पढ़ाना शुरू की, क्यों किया? तो मैं बच्चों को यही जवाब देता हूँ कि बच्चों जो चीज़ सबसे आसान है ना वही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया. फिर बोलते हैं नहीं सर आप पढ़ाते हो इसलिए आसान हो जाता है. तो सर ये तो आपका मतलब आपकी थॉट है, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस. सो 13, 14, 15, 16 और 17, तो ये 4 क्वेश्चंस आपको अभी के अभी करने हैं, हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे. भैया आपने इतनी देर सुना है तो कुछ तो अपने आप से भी करोगे, है ना. तो प्लीज़ ट्राई दीज क्वेश्चन 13, 14, 15, 16 एंड 17. थैंक यू वेरी मच.